हेलो बच्चों क्या हाल चाल आपके कैसे हैं आप पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म किया था जितने सारे केसेज बन सकते थे चाहे वो फंडामेंटल हो एडमिशन हो रिटायरमेंट हो डेथ हो सबका हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट देखा आज मेरे बच्चे हम लोग नए टॉपिक में एंट्री कर रहे हैं एंड टॉपिक का नाम है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ये क्या होता है कैसे काम करता है क्या करेंगे इन्हीं सब बातों का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे चाहे वो एडमिशन हो रिटायरमेंट हो डेथ हो डिजोल्यूशन uh, नहीं अभी हम उसको अलग रखते हुए बाकी टॉपिक्स पे हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा मेरे साथ लिखो ना आप स्टार्ट कीजिए लिखना यहाँ पे थोड़ा सा मेरे साथ आपको अच्छा लगेगा लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट इसको शॉर्ट में मैं बोलूंगा जे एल पी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिखते चलेंगे सारी बातें समझाऊंगा थोड़ा टाइम लगेगा बट अभी लिखिए आप जेलपी इ पॉलिसी पॉलिसी टेकन बाय टेकन बाय फर्म टेकन बाय फर्म ऑन ज्वाइंट लाइफ ज्वाइंट लाइफ ज्वाइंट लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑफ ऑल पार्टनर्स अभी इसका मतलब मत समझना अभी लिखते चलो आप जेएलपी इज द पॉलिसी टेकन बाई फॉर्म ऑन ज्वाइंट लाइफ ऑफ ऑल पार्टनर्स नंबर टू नंबर टू लिखेंगे यहां पर अमाउंट पेड बाई पेड बाय फर्म टू इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी साथ साथ लिखेंगे टू इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड ज कॉल्ड प्रीमियम पेट इज कॉल्ड प्रीमियम पेट है ना प्रीमियम पेड फुल स्टॉप कहता है कि पॉइंट नंबर थ्री में पॉइंट नंबर थ्री में जे एल पी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज मश्योर्ड इज मेस्योर्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ एक्सपायरी of period period of policy of policy or or on death of death of any partner any partner any partner comma whichever is earlier whichever whichever इज अर्लियर सर क्या मतलब निकल के आया अभी लिखो ना आप मैं सारी बातें आपको बताऊंगा बट आप लिखना शुरू करेंगे जेएलपी इज मैश्योर्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पॉलिसी और ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर विच एवर इज अर्लियर फोर्थ लिखेंगे आप द अमाउंट द अमाउंट द अमाउंट पेबल बाय पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑन मेच्योरिटी ऑन मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी पॉलिसी यानी कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज कॉल्ड इज कॉल्ड फेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी है ना जब पॉलिसी मेच्योर्ड हो जाती है उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी जो फर्म को पे करता है दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू पॉलिसी Fifth looking up if policy is surrendered surrendered before before date of maturity, before date of maturity, before date of maturity, comma the amount the amount the amount. पेबल बाय पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द फॉर्म टू द फॉर्म टू द फॉर्म इज कॉल्ड इज कॉल्ड कहते हैं कि सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज कॉल्ड लिखेंगे आप यहां पर सरेंडर ज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू वैल्यू ऑफ पॉलिसी सर समझाओ ना ये क्या मतलब निकल कर रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है लिखो ना भी लिखो ना सारी बातें समझाऊंगा आप पहले चलो सिक्स पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे सिक्स पॉइंट लिखेंगे कहते हैं कि फेस वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑब सरेंडर वैल्यू ऑब्लिक सरेंडर वैल्यू, फेस वैल्यू ऑब्लिक सरेंडर वैल्यू, पेड बाय पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अमंग पार्टनर्स अमंग पार्टनर्स इन देयर इन देयर एग्जिस्टिंग इन देयर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आप पहले यहां तो कॉपी कर लीजिए फिर मैं इन बातों को आपको समझाता हूं मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि जेएलपी इज द पॉलिसी टेकन बाई फॉर्म ऑन ज्वाइंट लाइफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स अमाउंट पेड बाई पॉइंट नंबर टू पढ़ रहा हूं अमाउंट पेड बाई फर्म टू इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड प्रीमियम पेड थर्ड में जे एल पी इज मेश्योर ऑन एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी पीरियड ऑफ पॉलिसी ऑर ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर विच इवर इज अर्लियर फोर्थ पॉइंट है अमाउंट पेबल बाई इंश्योरेंस कंपनी ऑन मेश्योरिटी ऑफ पॉलिसी पॉलिसी कब इशूड होगा बच्चे ये कहता है कि जब या तो किसी पार्टनर का डेथ हो जाए या फिर कहता है कि आपका एक्सपायरी हो जाए जब भी होगा अभी आएंगे डिटेल में तो जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी ठीक है ना इफ पॉलिसी इज सरेंडर्ड मेरे बच्चे फॉरेंडर्ड का मतलब कि पॉलिसी अगर हमने आगे कंटिन्यू नहीं करना एक साल दो साल प्रीमियम पे किया फिर बोलते हैं कौन चलाएगा कौन इतना प्रीमियम पे करेगा बीच में सरेंडर कर देना कि सरेंडर कब होगा बिफोर डेट ऑफ मेच्योरिटी द अमाउंट पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी टू द फर्म इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी इसका मतलब भी मतलब क्लियर करूंगा और जो भी फेस वैल्यू चाहे सरेंडर वैल्यू कोई भी चीज जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी वो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट रेशियो है हम उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आप यहाँ पे कॉपी कीजिए फिर इन बातों को मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ सर हो गया सर बताओ ना क्या लिख लिया हमने देखो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ और आपको यहाँ पर बातें समझाता हूँ सुनना मेरे बात ध्यान से इसका क्या मतलब होता है लिखना बंद करेंगे पता ये एक टाइम पीरियड है मान लो यहाँ पे आपके तीन पार्टनर हैं आपका एक वाई एन इज तीन पार्टनर्स हैं और इन तीनों के बीच का जो प्रॉफिट रेशियो है वो 3:2:1 है तीनों पार्टनर्स मिलके काम कर रहे थे और चीजें सब ठीक से चल रही थी मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हुआ इन्होंने सोचा कि चलो हम एक काम करते हैं अपने लाइफ को इंश्योरड कराते हैं इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताऊंगा तो मेरे बच्चे इन तीनों ने मिलकर तीनों का मतलब क्या हो गया जी फर्म ने क्या किया एक आपका पॉलिसी लिया जिसका नाम है लाइफ पॉलिसी मेरे बच्चे नाम ही कह रहा है कि तीनों के लाइफ को हमने मतलब इंश्योर किया तीनों को इकट्ठा तो फर्म ने क्या किया एक जेल पी आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया जो कि तीनों के लाइफ पे है इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर मान लो जो पॉलिसी लोगे ना तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है कि पॉलिसी कितने टाइम पीरियड के लिए कितने समय के लिए हम ले रहे हैं

होता क्या है कि यहां पे आज जीरो मतलब जीरो मतलब आज के डेट पे क्या हुआ ये फर्म गई और उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योरेंस कंपनी भी है, आप हमें एक पॉलिसी दो इंश्योरेंस कंपनी पूछती है कि आपको पॉलिसी कितने का लेना है जो ज्वाइंटलाइ पॉलिसी आप तीनों के पार्टनर्स को इंश्योर करना चाहते हो कितने की पॉलिसी होगी तो हमने कहा कि देखो जी ये जो पॉलिसी होगा ना ये पॉलिसी हम लेना चाहते हैं मान लो आपका सपोज की ट्वेंटी लैक्स रुपीज का ट्वेंटी लैक्स रुपीज बच्चे जितने की आपने पॉलिसी ली है ना दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी फेस वैल्यू का मतलब वो है कि पॉलिसी आखिर कितने का मतलब ऑन डेट ऑफ मेच्योरिटी कितना पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड ये ये जो है ना ये आपका क्या हो गया जी इसका पीरियड हो गया इतने समय के लिए हमने पॉलिसी लिया है एक बात हो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे और इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे कि भैया हमारे लाइफ को इंश्योर कर दो अगर हम मर जाएंगे चाहे जो मेच्योरिटी आएगा तो आप हमें ट्वेंटी लैक्स रूप पे कर देना और आप बोल के चले आओगे तो ऐसा होगा क्या नहीं सर इंश्योरेंस कंपनी भी आपसे कमाने के लिए बैठी है इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपसे मतलब हर, हर एक साल आपको इतना पेमेंट करना है ये जो अमाउंट आप हर एक साल इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो दिस इज कॉल्ड प्रीमियम ये प्रीमियम ऑफ दैट पॉलिसी है मेरे बच्चे समझो मेरी बात ना ये प्रीमियम जो

साल के बाद 20 लाख अब देखो क्या हुआ जब आप यहां पे आपने प्रीमियम पे किया और प्रीमियम को पे करने के लिए ये एक्चुअली एक कार है मुझे अपने ऑफिस या घर के लिए तो पता उस टाइम पे क्या हो रहा था उस टाइम पे एक्स और वाई प्रार्थना कर रहे थे भगवान से भगवान ये जो ये जो कार है ना और कार के इधर का जो आपका दरवाजा है ना वो खुल जाए अगर ये दरवाजा खुल जाएगा जेड गिर जाएगा और गिर जाएगा तो मर जाएगा और अगर वो मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी आज ही आपको ट्वेंटी लैक्स का पेमेंट करेगी। मतलब कहने के मेरे बच्चे कि ये जो ट्वेंटी लैक्स रुपीज पे होगा वो कब पे होगा अगर हम तीनों में से कोई भी एक पार्टनर का डेथ हो जाए, तीनों का जरूरी नहीं है किसी भी एक पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे ट्वेंटी लैक्स रुपीज आपको पे करेगी और यहां पे उसी तरीके से जेड भी मना रहा होगा कि भगवान जी ऐसा कुछ हो जाए कि इधर का दरवाजा खुल जाए क्योंकि अगर एक्स गिर जाएगा मर जाएगा मर तो वाई को पैसे मिल जाएंगे खूब सारे बहुत मजा होने वाला बट anyway, सुनना ये सोच रहे थे मेरे कहने का मतलब कि अगर किसी भी एक पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी पांच साल तक वेट नहीं करेगी उसी टाइम पे आपको ट्वेंटी लैक्स का पेमेंट कर देगी भगवान ने ना इनकी बात सुनी ना इनकी बात सुनी ना किसी की बात सुनी और समय चलते चलते मेरे बच्चे एक साल गुजर गया

मान लो यहां पे क्या हुआ जी पहला दूसरा साल के बाद यहां पे तीसरे साल का हमने यहां पे प्रीमियम पे किया और यहां पे क्या हुआ मान लो कि किसी का भी मान लो वाई का ही डेथ हो गया किसी तरीके से डेथ हो गया हमें फर्क नहीं पड़ता

अगर मौत किसी का पहले हो जाएगा तो फिर आपको वो अगर मौत मान लो किसी का पहले नहीं होता तो पांच साल के बाद उतना अमाउंट आपको मिल जाएगा दिस इज जेएलपी का concept. और इसमें कोई डाउट ना हो हो कि कि जरा बताओ अगर मान लो पे वाई का डेथ गया और इंश्योरेंस कंपनी ने ट्वेंटी लैक्स पे किया तो ये ट्वेंटी लैक्स का अमाउंट जो है वो किसको मिलेगा ये किसको दिया जाएगा जो मर गया सिर्फ उसको मिलेगा या फिर हम तीनों को मिलना चाहिए क्योंकि हम तीनों ने मिलकर उसका प्रीमियम पे किया है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इमोशन में आके आप डिसीजन मत देना यहाँ पे इमोशन की बात नहीं हम बिजनेस कर रहे हैं जरा सोचो इस 20 के लिए जो प्रीमियम आज तक पे किया गया है क्या सिर्फ वाई ने पे किया था क्या नहीं सर प्रीमियम फर्म ने पे किया था यानी कि हम तीनों ने पे किया था तो ये पैसा जो 20 लैक्स आपको मिलेगा चाहे वो डेथ पे हो चाहे ऑन मेच्योरिटी हो विचर इज वो तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों को मिलेगा तो एक्स जेड को मिल जाएगा और वाई का तो मौत हो गया तो उसके जो एग्जीक्यूटर से उनके जो फैमिली मेंबर है उनको पैसा मतलब कहने का कि तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्लियर ना हम लोग इसको डिटेल में में भी देखेंगे जो चैप्टर बड़े बड़े क्वेश्चन में कैसे आएंगे पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम पहले समझ रहे तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए मैं आपको पहले बता दू ना आगे बढ़ता हूं यहां पे क्या हुआ कि मान लो आपने अब मैं थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाता हूं कि मेरे बच्चे आपने क्या किया था ना कि आपने पॉलिसी लिया था कि पांच साल तक हम इसको लेके चलेंगे जी अगर पांच साल में किसी का डेथ हो गया तो उस समय आपको पैसा मिल जाएगा या पांच साल गुजरने के बाद अर्लियर इन्हीं बातों को मैंने यहां पे आपको लिखाया हुआ है जितना पढ़ूंगा अब उतना ही पढ़ना देखो क्या बोलता है आपका ये कहता है मेरे बच्चे यहां पे आप चेक करेंगे ये कहता है कि इज द पॉलिसी टेकन ऑन ज्वाइंट लाइफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स इसमें कोई डाउट नहीं सर सभी पार्टनर्स मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि तीन पार्टनर्स में से हमने सिर्फ दो पार्टनर्स को इंश्योर किया एक को नहीं किया ना पॉलिसी का टर्म ही होता है कि ज्वाइंटली ऑल पार्टनर से अमाउंट पेड बाय फर्म फर्म जो पैसा आपको हर एक साल इंश्योरेंस कंपनी को पे करे उसको क्या बोलते हैं प्रीमियम पेड हमारे इस एग्जाम्पल में मैंने वो 2.5 की बातें की थी कुछ भी हो सकता है डिपेंड करता है कि क्या होगा वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे जब उस चैप्टर में आएंगे इंश्योरेंस कंपनी यहां पर नहीं है इज मेर जेएलपी कब मेच्योर्ड होगा या तो एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पॉलिसी यानी कि फाइव इयर्स पांच साल या फिर कहता ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर किसी भी एक पार्टनर का डेथ हो जाए जो भी इन दोनों में से पहले होगा उसी टाइम पे पॉलिसी मेच्योर्ड होगा उसी टाइम पे पॉलिसी मेच्योर्ड होगा मेरे बच्चे फोर्थ पॉइंट अभी छोड़ दो छोड़ के दो पढ़ लो अरे अगर पॉलिसी मेच्योर होगा तो अमाउंट पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जो हमें पे पे करेगी उसको हम क्या बोलते हैं फेस वैल्यू पॉलिसी यानी कि 20 का अमाउंट इस के अंदर में आप मेरी बातें समझ रहे हो ना मैं पूरे कॉन्सेप्ट को रोटाफिकेशन पे नहीं ले जा रहा हूं चीजों को आपको समझा रहा हूं आपको मजा आएगा आगे कॉन्सेप्ट को समझने में इसमें कोई डाउट नहीं सर अभी पांचवें पॉइंट छोड़ दो सिक्स पॉइंट पे आइए और जितना पढ़ूंगा वो फेस वैल्यू पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी फेस वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी कब हमें पे करेगी तो या तो किसी पार्टनर का डेथ हो गया है या फिर आपका मेच्योरिटी होगा उस उसमें जो भी इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा मेरे बच्चे ऑल पार्टनर्स के बीच में इन दर एग्जिस्टिंग प्रोफिट रेशू मतलब थ्री टू वन ये ऐसा नहीं कि जो मर गया हम सिर्फ उसी को देंगे ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे ऐसा नहीं होता प्रीमियम हम तीनों ने मिलकर पे किया है तो जो अमाउंट आएगा वो हम तीनों का होगा सोचो ना हमने प्रार्थना भी तो किया था एक्स और जेड की प्रार्थना ऐसे वो मर जाएगा तो उसी को पैसा तो प्रार्थना ही क्यों करेंगे उसको मरने का आप समझ रहे हो ना तो इसका मतलब कि ऐसा कुछ होता है ना मैं अब आता हूं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ ये देखिए अब पे <coughs> हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे वो सुनना ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ सुनेंगे मेरी बात देखो यहाँ पे पॉलिसी हम लोगों ने कितने साल के लिए लिया था पॉलिसी वी टेकन फॉर दो फाइव इयर्स पांच साल के पीरियड के लिए हमने क्या किया था जी पॉलिसी लिया था ये बताया था ना बच्चे अब होता क्या है कि पॉलिसी मान लो यहाँ पे आपका चला पॉलिसी आपने यहाँ पे प्रीमियम पे कर दिया टू पॉइंट फाइव लैक्स का पॉलिसी यहाँ चला फिर आपने यहाँ पे टू पॉइंट फाइव लैक्स का प्रीमियम पे कर दिया फिर आगे चले यहाँ भी पे कर दिया मेरे बच्चे समय आगे चला चलते चलते तीसरा साल भी मान लो गुजर गया और फिर यहाँ पे क्या हुआ चौथे साल में के स्टार्टिंग में टू पॉइंट फाइव लैक्स का आपने प्रीमियम पे कर दिया एंड फोर्थ ईयर में यहाँ पे किसी भी रीजन से मेरे बच्चे मेरा पार्टनरशिप फॉर्म जो है ना वो आपका यहाँ पे डिजॉल्व हो, हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो रहा है डिजोल्व हो रहा है या फिर जो पॉलिसी हमारा है पॉलिसी हम उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते कंटिन्यू नहीं करना चाहते सर क्यों नहीं करना चाहते कुछ भी रीजन हो सकता है हो सकता है कि हमें लगा कि फालतू में क्या प्रीमियम पे कर रहे जी पैसे बर्बाद हो रहे हैं ठीक नहीं है कोई मरने को है नहीं यहाँ पे तो क्यों उतना लंबा जाए या हमारी अप जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन वो खराब हो गया है और हम लोग नहीं पे करना चाहते या फिर मजा नहीं आ रहा है समझ लो या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ही हम यहां पर करें कि यार खत्म करो हमें आगे मतलब कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे कोई भी रीजन हो सकता है मैं रिपीट कर रहा हूं अगर पॉलिसी कुछ समय तक आपने प्रीमियम पे किया और आपके एंड यानी कि उसके मेच्योरिटी पीरियड आने के पहले ही हम उसको तोड़ना चाहते हैं उसको सरेंडर करना चाहते हैं तो उस केस में पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है जी आगे प्रीमियम मत पे करो कोई काम कौ, कौन टेंशन यहां पे है तो प्रीमियम पे नहीं करोगे तो आगे पॉलिसी ऐसे खत्म हो गया लेकिन मेरे बच्चे सवाल सिर्फ इतना नहीं है सवाल यह है कि जब हम पॉलिसी लेने के लिए गए थे मान लो हमने गए हम गए थे जी एच का जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उनके पास बोले हमने हम जाके उनको बोले थे कि देखो जी हम पॉलिसी लेना चाहते हैं पांच साल के लिए तो मुझे एक बात बताओ क्या इनको ये नहीं पता क्या कि हो सकता है कि ये जो फाइव ईयर्स गुजरने के पहले हमें पॉलिसी कभी तोड़ना पड़ सकता है हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म बन गया हो सकता है हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हो गया कुछ भी हो सकता है हमारे बच्चे और उस केस में पॉलिसी तोड़ने की नौबत आ सकती है बीच में ही तो उस केस में ये जो फर्म है यानी कि एक सौ वो एच डी एफ सी बैंक को बोलते हैं कि एच डी एफ सी बैंक भैया एच डी एफ सी बैंक भैया मान लो डेट ऑफ मेच्योरिटी आने के पहले अगर हम बीच में ही पॉलिसी तोड़ देंगे तो हमने जो आज तक 2.5 ये आप देखो लगभग 10 लाख रुपए जो हमने पेमेंट किया वो बर्बाद हो जाएगा क्या हमें उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं क्या क्योंकि हम पॉलिसी बीच में ही तोड़ रहे हैं तो ना तो किसी का डेथ हुआ ना एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पॉलिसी हुआ तो फिर क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे इंश्योरेंस कंपनी को आपको अपने साथ जोड़ना है क्योंकि आप जब जोड़ोगे ना तो ही उनको प्रीमियम मिलेगा उनकी कमाई बढ़ेगी तो इस रिस्क को खत्म करने के लिए एच यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फर्म को बोलती है कि देखो जी अगर पॉलिसी ऑन डेट ऑफ मेच्योरिटी के पहले ही आप तोड़ देते हो तो कोई बात नहीं हम आपको ट्वेंटी लैक्स रुपीज का तो पेमेंट नहीं करेंगे ट्वेंटी लैक्स हम आपको पे नहीं करेंगे लेकिन हाँ कुछ अमाउंट हम आपको पे करेंगे क्योंकि आपने इतने साल तक हमें अपना पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है तो उन्होंने कहा कि देखो जी अगर आप पहले साल में पॉलिसी तोड़ दोगे पहले साल में पेमेंट किया तो फिर हम कुछ नहीं पे करेंगे आप पॉलिसी तोड़ते हो तो ठीक है हम आपको ट्वेंटी लैक्स नहीं हम आपको एक लाख बीस हजार रुपए का अमाउंट पे कर देंगे अगर तीसरे साल में आप पॉलिसी तोड़ते हो तो हम एक लाख पचास हजार रुपए अमाउंट कहां से एज्यूम क्या फिगर बचे वो कंपनी डिसाइड करेगी कितना कितना पहले ही आपको बता दिया जाता है पहले ही कि पहले साल में पॉलिसी तोड़ोगे तो हम कुछ नहीं पे करेंगे दूसरे साल में तो इतना देंगे तीसरे साल में तो इतना देंगे चौथे साल में पॉलिसी अगर आपने तोड़ा तो हम आपको मान लो वन एटी कुछ भी अमाउंट हो सकता है मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर पॉलिसी बीच में ही तोड़ी जाती है देशोरिटी मेच्य डेट कब आता है तो ये जो हर एक साल अमाउंट कोट किया गया ना बच्चे दिस इज कॉल सरेंडर वैल्यू कोई पूछ देना की सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है तो आप बताना कि देखो जी पॉलिसी की मेच्योरिटी आती है इधर ऑन डेथ और ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पॉलिसी अगर उसके पहले ही हम लोगों ने ये पॉलिसी को तोड़ दिया पॉलिसी को ब्रेक कर दिया सरेंडर कर दिया कि भैया आगे कंटिन्यू नहीं करना तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ अमाउंट आपको लमसम पे करती है वो कुछ अमाउंट जो पे करेगी दैट इज कॉल सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू मेरे बच्चे यही पॉइंट था पांचवा पॉलिसी इज सरेंडर्ड सरेंडर का मतलब क्या ब्रोकन बिफोर डेट ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट पेबल बाई इंश्योरेंस कंपनी टू द फर्म इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू और हां ये सरेंडर वैल्यू जो फर्म को मिलेगा ये भी मेरे बच्चे पार्टनर्स का ही है और कौन से पार्टनर्स का है क्योंकि इनके लिए भी हम तीनों ने मिलकर प्रीमियम पे किया है हम तीनों ने तो इसका भी जो आपका प्रीमियम होता है जो सॉरी जो वैल्यू होता है मेरे बच्चे वो हम क्या करेंगे इसी रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब जो भी कुछ इंश्योरेंस कंपनी से हमारी रिकवरी होगी चाहे वो सरेंडर वैल्यू हो चाहे फेस वैल्यू है ये अमाउंट पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग है जिन्होंने प्रीमियम पे किया एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने प्रीमियम पे किया

तो मेरे बच्चे ये कुछ वर्ड्स हैं आपने सुना प्रीमियम का मतलब क्या होता है सिलेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है पॉलिसी का भी आपका मेच्योर्ड होता है फिर आपका फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है ये वर्ड्स बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में होंगे तो ही आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे आओ ना मैं एक काम करता हूँ पहले आ, ये आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से मैं अगले आ, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे आ, लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ जे एल पी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी केस ऑफ केस ऑफ चाहे वो एडमिशन हो एडमिशन इन केस ऑफ एडमिशन ऑब्लिक रिटायरमेंट ऑब्लिक रिटायरमेंट है ना ऑफ अ पार्टनर अगर किसी पार्टनर का एडमिशन या रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम पे जेएलपी का ट्रीटमेंट क्या होगा हम उसको पढ़ते अभी डेथ के बारे में हम नहीं पढ़ रहे मेरे बच्चे ये दो पार्ट अलग अलग है डेथ हो जाएगा तब तो हमें पॉलिसी के फेस वैल्यू मिल जाएगी बोलो ना हाथ <laughs> तो डेथ की बात अभी हम नहीं कर रहे उसको हम अलग से देखेंगे आज ही देखेंगे अभी हम सिर्फ देख रहे हैं एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे वो फंडामेंटल हो मतलब अगर कोई आपस में रेशियो भी चेंज होगा तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ मैं सोचता हूँ कि इसका क्वेश्चन मैं आपको बुक से कराऊँ लेकिन उसके पहले लिखेंगे इसके अंदर में थोड़ा सा आ, कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे जी हमारे पॉइंट्स हो गए थे हम उसी को भी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ओह हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे छः हो गए थे ना तो ये सातवां पॉइंट चल रहा है मेरे बच्चे सेवेंथ पॉइंट चल रहा है तो लिखेंग यहां पे ये है आपका. लिखेंगे आपका ट्रीटमेंट ऑफ जे पी इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर लिखेंगे देर आर देर आर थ्री मेथड्स देर आर थ्री मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ जे एल पी ऑफ जे एल पी इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट आप तीन तरीके से इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो क्या क्या है लिखेंगे आप यहाँ पे सेवन के अंदर में नंबर ए एन लिखेंगे वेन प्रीमियम पेड वेन प्रीमियम पेड पेड इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड वेन प्रीमियम पेड ज ट्रीटेड एज एन एज एन एक्सपेंस प्रीमियम मतलब जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको एक्सपेंस ट्रीट करता मीनिंग समझाऊंगा अभी आगे बढ़ेंगे और कहता है मेरे बच्चे यहाँ पे बी में बी लिखेंगे आप यहां पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जे एल पी इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड एज एन

है ना ये आपका यहाँ पे तीन मेथड हो गया थ्री मेथड्स से जेल का ट्रीटमेंट करने का वेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस वेन जेल इज ट्रीटेड एज एन एसेट और तीसरा जे एल इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड रिजर्व अकाउंट इज में एक काम करूं क्या मैं सोच रहा हूं ना कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो मतलब सेवेंथ पॉइंट इसको यहां लिखने के बजाय मैं इसको हटा देता हूँ और सेवेंथ पॉइंट इसको भी मिटा दिया बुक्स ऑफ अकाउंट था ये है ना अकाउंट ये जो आपका है इसको सेवन कर दो ये पॉइंट आपका सेवन हो गया कि जे को बुक्स में ट्रीट करने के वी हैव थ्री मेथड्स क्योंकि ये एक्चुअली एडमिशन हो रिटायरमेंट हो डेथ हो पर बच्चे किसी भी मेथड आपका कोई भी केस हो उसमें ये तीन मेथड ही हमारे पास होते हैं तो मैं सेवन लिख देंगे अब हम एट पॉइंट रेडी करते हैं एट पॉइंट और अब लिखते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा अब यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ जे जे एल पी इन केस ऑफ इनकेस ऑफ इनकेस ऑफ आपका एडमिशन एडमिशन पब्लिक रिटायरमेंट है ना डेथ को अभी हम नहीं करेंगे डेथ को अलग से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर किसी एक पार्टनर का एडमिशन होगा रिटायरमेंट होगा तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा मेरे बच्चे उसके बारे में हम क्योंकि ये तीनों मेथड

कहता है कि एक फॉर थ्री है। है बच्चे पॉलिसी आपने कितने का लिया इज कॉल फेस वैल्यू पॉलिसी तो ये जो हमने यहाँ पे हमारे पास जो फेस वैल्यू है और पॉलिसी का हमने जो लिया हुआ है वो कहता है जी आपका टू लैख फोर्टी थाउजेंड का अमाउंट आपका है दो लाख चालीस हजार रुपए का ठीक है ना आगे पढ़ना कहता है कि ऑन <coughs> which प्रीमियम पेड ऑन which प्रीमियम पेड रुपीज फोर्टी थाउजेंड प्रीमियम पेड रुपीज फोर्टी थाउजेंड कहता है कि इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस वो कहता है कि देखो जी इस पे जो प्रीमियम है ना प्रीमियम आपका प्रीमियम हम लोग जो पे करेंगे जो हर एक साल हमको पे करना ये एनुअल प्रीमियम होता है हमेशा एनुअल एनुअली हम पे करते हैं वो कहता है कि फोर्टी थाउजेंड का अमाउंट है कहता है कि वाई रिटायर्स ओहो मेरे बच्चे ये तीन लोग जो चल रहे थे ना अब ये चलते चलते कह रहा है कि यहाँ पे मान लो वाई का हो गया रिटायरमेंट वाई इस बिजनेस से निकल रहा है वाई रिटायर्स और कहता है कि अब इसके बाद जरा बताओ कि अगर y का रिटायरमेंट यहाँ पे हो जाएगा तो कौन बच जाएगा x और z बच जाएंगे दो पार्टनर्स बच जाएंगे कहता है कि ऑन द डेट ऑन दैट डेट कब जी जब y का रिटायरमेंट हुआ सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी कहता है कि सिक्सटी 60000 मेरे बच्चे इसका मतलब कि जिस दिन y का रिटायरमेंट हुआ उस दिन पे कहता है कि अगर पॉलिसी को हम सरेंडर कर देते हैं याद रखना सरेंडर वैल्यू का मतलब कि अगर पॉलिसी को हम तोड़ देते तो हमें कितना पैसा मिलेगा वो इस डेट का आपको कितना बता रहा जी सिक्सटी थाउजेंड का अमाउंट आपका है अभी ज्यादा ईफोर दिमाग में मत लाना पहले पूरी कहानी समझ लो अपने आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करना आप शुरू कर देंगे तो वाई का रिटायरमेंट हुआ उस दिन पे जो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है वो कितना है आपका सिक्सटी थाउजेंड रुपये उस दिन पे और कहता है आगे कि शो ट्रीटमेंट ब्रैकेट में क्या उसके बाद हम बाद में करेंगे ट्रीटमेंट हमें करना है मेरे बच्चे अब यहाँ पे वाई के रिटायरमेंट के बाद आगे रेशियो एक स्टेड में क्या होगा नहीं बता रहा है तो हम क्या मानेंगे जी जो पुराना था वही रेशियो रहेगा यानी कि वन इजू वन आपका ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ सुनेंगे मेरी बात ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया मैं आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन बताना चाहता हूँ कि क्या निकल के आएगा <coughs> जैसे जैसे बोलूंगा ना आप उसके इमेजिनेशन में आना क्योंकि कह रहा है कि ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो इसको अभी तक हमने क्या किया ये ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस हमने इसको एक्सपेंस ट्रीट किया अभी तक तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बताते चलता हूँ सुनो मेरी बात ध्यान से यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है पता है क्या हुआ जब इन्होंने पॉलिसी लिया ना बच्चे तो पॉलिसी जब लिया ये देखो मैं कुछ अलग से आपको दिखा रहा हूँ इसको लिखना नहीं है ये जीरो आपका वन टू थ्री फोर मैं एज्यूम कर रहा हूँ एज्यूम कर रहा हूँ कि यहां पे आपका आ, क्या नाम है वाई रिटायर किया है यहाँ पे वाई का रिटायरमेंट हुआ है यहाँ पे वाई का रिटायरमेंट हुआ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना मैं क्या बता रहा हूँ देखो यहां पे आपने क्या किया होगा प्रीमियम पे किया होगा क्वेश्चन के मुताबिक फर्म को कितना पे किया होगा फोर्टी थाउजेंड आपने प्रीमियम पे किया होगा स्टार्टिंग में जी और फिर साल के एंड में मेरे बच्चे ये प्रीमियम पेड को आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के रूप में दिखा दिया होगा यानी कि जो प्रीमियम है वो फोर्टी ये कोई बड़ी बात नहीं है ये तो हम एक खर्च के साथ करते हैं आप रेंट पे करते हो जब रेंट पे करते हो तो हम क्या एंट्री करते हैं जी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट प्रीमियम पे किया तो प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट जब पे किया होगा और साल के एंड में प्रॉफिट लॉस में हम उसको जाकर दिखाते हैं रेंट पे किया तो रेंट भी चला गया प्रॉफिट लॉस में सैलरी पे किया तो सैलरी भी वैसे ही

फिर अगले साल क्या हुआ होगा प्रीमियम पे किया होगा और उसके प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया होगा जरा जरा सोचो एक्सपेंसेज प्रीमियम जो एक्सपेंस आप पे कर रहे हो और वो एक्सपेंस अगर हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो क्या एक्सपेंस कभी आपके बैलेंस शीट में दिखेगा क्या जरा बताओ रेंट जो हम पे करते हैं एंड प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं वो कभी बैलेंस शीट में दिखता है नहीं दिखता है, क्योंकि है। उसी तरीके से मेरे बच्चे जो आपने प्रीमियम प्रीमियम पे किया उस को जब जब पे किया आपने बिजनेस खर्च माना उसको प्रॉफिट लॉस में दिखाया हमारे पास जेएलपी कुछ भी नहीं दिख रहा बैलेंस शीट में और दिखेगा भी नहीं क्योंकि एक्सपेंस हम उसको मान रहे हैं अब अचानक क्या हुआ कि यहां पे वाई का रिटायरमेंट हो गया वाई का रिटायरमेंट हो गया अब मेरी बात सुनना जब वाई का रिटायरमेंट हुआ तो यहां पे एक डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है जिस डिस्प्यूट को आपको खत्म करना मेरे बच्चे मैंने बताया ये चैप्टर आप पढ़ने तो खत्म करने हैं पता क्या हुआ देखो झगड़ा क्या हुआ यहां पे जब वाई का रिटायरमेंट हुआ तो वाई ने देखा कि यार आज तक जो हम लोग जो प्रीमियम पे किया गया है ये फोर्टी ये फोर्टी ये फोर्टी जो प्रीमियम पे किया जा रहा है ये प्रीमियम हम तीनों ने मिलकर पे किया है तीनों ने <laughs> आज मैं चला जाऊंगा मेरे जाने के बाद अब इसके बाद जो प्रीमियम होगा ना इसके बाद अब इस पीरियड में जो प्रीमियम पे होगा वो कौन पे करेगा एक्स और जेड पे करेंगे इसके बाद आने वाले पीरियड में एक्स और जेड क्या करेंगे जी प्रीमियम पे करेंगे तो उसके बाद अगर मान लो इस पीरियड में अगर पॉलिसी आपका मेचर्ड होता है चाहे किसी का डेथ हो जाए इनमें से चाहे पॉलिसी का पीरियड खत्म हो जाए तो मेरे बच्चे जितना भी पैसा आपको मिलेगा यानी कि फेस वैल्यू पॉलिसी वो सिर्फ आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि मैं अब नहीं रहा मैं तो चला गया अपने यहां से आपके बिजनेस को छोड़ के लेकिन सोचो जरा अगर अगर मान लो देखा जाए कि अब जो फेस वैल्यू मिलेगा ऑन मेच्योरिटी वो सिर्फ आप दोनों लोगे जबकि हम तीनों ने मिलकर कुछ समय तक प्रीमियम पे किया है तो जरा बताओ कि अगर हम तीनों ने मतलब वाई ने भी अगर कुछ समय तक प्रीमियम पे किया है, तो क्या उसमें कुछ उसकी बनती है के नहीं बनती है? क्या हम छोड़ के चले जाएंगे नहीं सर उसकी कुछ ना कुछ तो हिस्सेदारी बनती है क्योंकि उसने भी अभी तक का प्रीमियम पे किया है तो अब आपके पास ही आए झगड़ा खत्म करने के लिए आप देखो झगड़ा कैसे सलटा हो गया आप कहना कि वाई देखो इसके बाद के जो प्रीमियम है ना वो सिर्फ दो लोग मिलकर पे करेंगे आगे पॉलिसी मेच्योर्ड होगी तो ऑब्वियस बात ये दोनों लेके जाएंगे इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हां आपने आज तक जो तीनों ने मिलकर प्रीमियम पे किया है ना तो तीनों ने जो प्रीमियम पे किया उससे हम चेक करेंगे कि आज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट इस पॉलिसी की <coughs> इस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी है सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आज ही मैं पॉलिसी को तोड़ देता हूं ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट तो इंश्योरेंस कंपनी कितना हमें पैसा पे करेगी तो मेरे बच्चे यहां पे हमने चेक हमने तोड़ूंगा नहीं अगर आज ही तोड़ दू, <coughs> तो मुझे कितना पैसा मिलेगा मेरे फर्म को यह बताओ उन्होंने कहा पॉलिसी तो आपका 240 का है लेकिन आज अगर तोड़ेगा तो सिर्फ 60,000 का अमाउंट मिलेगा तो पता है यहां पे आपने क्या बोला कि देखो भाई 240 में तो आपका क्लेम नहीं बनेगा लेकिन हाँ इस 60,000 में आपका क्लेम बनता है क्योंकि आज तक जितना भी आप तीनों ने मिलकर प्रीमियम पे किया है तो एक वैल्यू क्रिएट हुआ है पॉलिसी का वो 60,000 ही है तो इसमें आपका क्लेम बनता है हमने कहा कि ठीक है जी इसका ट्रीटमेंट करो इसमें हमारा शेयर दो तो देखो हम क्या करेंगे ध्यान सुनना मेरी बात को कैसे ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे अभी बिल्कुल दिमाग में ई फोर नहीं ये सारे झगड़े का जो आपका जड़ होगा मेरे बच्चे वो टेबल एंट्री के थ्रू ही हम खत्म करेंगे जैसे हमने गुडविल में नहीं किया था कितने पार्टनर्स हैं जेड ठीक है हमने कहा मुझे बताओ कि अगर पॉलिसी आज टूटेगी तो वैल्यू कितना मिलेगा सिक्सटी थाउजेंड तो हमने कहा कि देखो जी ये सिक्सटी थाउजेंड के लिए किसने किसने पे किया था तो हम तीनों ने पे किया था तीनों ने आप मुझे बताओ कि सिक्स में हम तीनों का बनता ना? तो हम लोग क्या करेंगे ये यानी कि जो वैल्यू पॉलिसी का है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में मेरे बच्चे हम कर देंगे क्रेडिट बार बार कह रहा हूं क्रेडिट का मतलब सिर्फ इतना समझना इसमें हम तीनों की हिस्सेदारी कितनी कितनी है तो 60 में हमारा 20 हमारा भी 20 और आपका भी 20 हम तीनों का 20 है लेकिन मेरे बच्चे आज जब वाई का रिटायरमेंट हो जाएगा और उसके बाद अगर एक दिन के बाद भी पॉलिसी टूटेगा ना अगर आज नहीं टूटता आगे तो इस 60 में सिर्फ हम दोनों का क्लेम बनेगा और वो, वो वन इज वन में होगा तो हम क्या करेंगे इस सिक्सटी थाउजेंड को हम बोलेंगे कि भैया अब वाई के जाने के बाद न्यू पार्टनर्स का इसमें क्लेम हो जाएगा इन देयर न्यू रेशियो है ना और उसमें हम क्या करेंगे जी इनके बीच में में डेबिट करेंगे तो 60 नया में तो तो रेशियो कितना होगा वाई चला गया है? तो आपका हो जाएगा जी 30,000 और आपका हो जाएगा 30,000 हमें इस झगड़े को खत्म करना मेरे बच्चे देखो हम क्या करेंगे अभी कोई दिमाग में इोर नहीं सुनो मेरी बात जो पॉलिसी की आज वैल्यू क्रिएट हुई है सिर्फ उसकी बात करना हम बात फेस वैल्यू की नहीं करेंगे क्योंकि आगे प्रीमियम पे किया जाएगा पॉलिसी की वैल्यू बढ़ेगी तो ठीक है जी हम देखेंगे हम हम दोनों का लेकिन आज जो पॉलिसी की वैल्यू क्रिएट हुआ यानी कि सरेंडर वैल्यू उसमें हम तीनों का क्लेम है तो हमने कहा कि सिक्सटी में हमारा ट्वेंटी है एक्स का ट्वेंटी है लेकिन वाई के जाने के बाद अगर पॉलिसी तोड़ा जाएगा तो कितना मिलेगा उसको थर्टी मिलेगा टेन <laughs> का मेरे बच्चे एक्स को फायदा होगा

और एंट्री हमारा क्या बन जाएगा जी ये देखो आप एक्स के कैपिटल से माइनस कीजिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड याद रखना हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं. हमें सिर्फ पार्टनरशिप में होने वाले झगड़ों को खत्म करना मेरे बच्चे और कुछ भी नहीं तो एक्स को डेबिट किया टेन से जेड अकाउंट भी जेड कैपिटल अकाउंट भी आपका यहाँ पे डेबिट होगा क्योंकि उन, उनको भी फ्यूचर में गेन होने वाला है वो टेन हम आपके पास से ले लेंगे और ये सारा किसके अकाउंट में मिल जाएगा वाई के तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट आपका ये कितना हो गया ट्वेंटी थाउजेंड है ना बीइंग <coughs> बीइंग आपका जे एल पी जे एल पी एडजस्टेड जेएलपी जो है आपका हमने क्या किया एडजस्ट कर दिया नरेशन कुछ भी लिख सकते हो आपकी मर्जी और काम करता हूं यही काम करना है मेरे बच्चे अगर जेएलपी को हम लोग एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं तो एक्सपेंस ट्रीट करने का मतलब है पहला दिमाग क्या बोले कि यार जेएलपी हमारे बैलेंस शीट में कुछ भी पहले से नहीं था <coughs> और क्योंकि आप जेएलपी को एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं मेरे बच्चे तो जेएलपी को हमें बैलेंस शीट में दिखाना भी नहीं है क्योंकि अगर बैलेंस शीट में जेएलपी को दिखा दिया तो वो एसेट्स के रूप में ट्रीट हो गया Assets मानेंगे तभी तो बैलेंस शीट में आएगा वो हमारा केस नंबर टू हो जाएगा तो हमारा जो पहला मेथड है कि कि जेएलपी को एक्सपेंस के रूप में में ट्रीट करना उसके अंदर में हम क्या करेंगे जी भैया हमें हमें तो आज हमें तो आज सिर्फ एंट्री करना है प्रीमियम जो पे किया था क्या किया था हम उसकी एंट्री पास नहीं करना तो यहाँ पे क्या करेंगे आपने बस इस टेबल एंट्री को करें और ये मतलब गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स एक्चुअली ये क्या है जी ये गेनिंग पार्टनर्स है जैसे गुडविल का था मेरे बच्चे सेम चीज गेनिंग पार्टनर्स जो है वो आपका डेबिट करेंगे इन गेनिंग रेशियो एंड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है ना सैक्रीफाइसिंग पार्टनर यही चीज निकल के आता है सेम ट्रीटमेंट जो हमने पहले सीखा था प्लीज कॉपी कर लें ये कर ले और मैं कुछ आपको नोट लिखाऊंगा ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको दिक्कत ना हो इसलिए लिखेंगे आप यहाँ पे आपके लिए एग्जाम में नहीं लिख रहा इस बात को लिखेंगे इंपोर्टेंट नोट यानी कि जब रिवीजन करेंगे तो क्या क्या बातें यहाँ पे आपके दिमाग में होनी चाहिए पहली बात लिखेंगे यहां पे इंपोर्टेंट नोट्स ऐसे कर लो इंपोर्टेंट नोट्स वेन वेन जे एल पी जे एल पी इज ट्रीटेड ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस अगर हम उसको एक्सपेंस के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब पहला पॉइंट देखेंगे इसके अंदर में प्रीमियम <coughs> पेड On annual basis, on annual basis, is transferred to, is transferred to profit and loss account of that year. उस साल का जो प्रॉफिट लॉस है हम उसमें क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये हमारा है जी प्रीमियम अकाउंट इसको हम प्रीमियम अकाउंट भी कह सकते हैं या फिर हम इसको जेएलपी अकाउंट भी जेएलपी कहना ठीक नहीं हुआ क्योंकि जेएलपी हम इसको ना माने प्रीमियम ऑन जेएलपी कह देता हूं आ, ये लीजिए प्रीमियम ऑन जे अकाउंट है ना तो हम क्या करेंगे जी? जब प्रीमियम पे करते हैं ना बच्चे तो उस समय क्या होता है टू बैंक मतलब जब हमने पॉलिसी का प्रीमियम पे किया होगा इस क्वेश्चन के मुताबिक कि कितना अमाउंट था फोर्टी थाउजेंड हर एक साल जो प्रीमियम पे कर रहे थे और साल के एंड में हम लोग उसको कहां ट्रांसफर कर रहे थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फोर्टी तो ये हर एक साल चल रहा था अगर एग्जाम में ऐसे आएगा नहीं क्योंकि ये कोई बनता नहीं है बट एग्जाम में अगर आ जाए कि भैया प्रीमियम ऑन जेल अकाउंट बनाओ तीसरे साल में डेथ हुआ जी तो जब तक प्रीमियम पे किया उसका अकाउंट बनाओ तो हम यही काम करेंगे बैंक, का तो बैंक प्रॉफिट मतलब कर लॉस में जितने साल तक आपने पे किया होगा वो काम कर देंगे ठीक है ना बच्चे तो इस केस में आपका पॉइंट नंबर ए हुआ नाउ बी पॉइंट में आप आइए तो यहां पे एंड सो ऑन सेम चीज चलेगा आपका मेच्योरिटी uh, जब तक कि मेच्योरिटी मेच्योरिटी कब आता है डेथ uh, हो जाए या फिर आपका पांच साल खत्म हो जाए यही काम करते चलेंगे कुछ भी चेंज नहीं यहां पे नंबर बी आपने देखा होगा कि जो हमने यहां पे ट्रीटमेंट किया मेरे बच्चे यहां पे जो ट्रीटमेंट किया वो वो आपका पॉइंट नंबर बी लिखेंगे आपका इन दिस केस इन दिस केस इन दिस केस जे एल पी जे एल पी डज नॉट अपियर डज नॉट अपियर डॉट अपियर इन द बैलेंस शीट इस केस में बैलेंस शीट में जेलपी दिखता ही नहीं पहले से कुछ आपका है ना कोई पूछ दे क्यों तो लिख दो यहां परीमियम पेड प्रीमियम पेड हैजिन ट्रीटेड हैज बिन हैजबिन ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस जब हमने उसको एक्सपेंस माना है ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस तो फिर उस केस में मेरे बच्चे अब यहां कोई मतलब ही नहीं बनता है ना हम बात क्या कर रहे हैं एडमिशन या रिटायरमेंट के केस के में अभी डेथ की बात नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हम बोलते हैं भैया प्रीमियम पे के हम हमेशा उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं जेएलपी बुक में पहले से कुछ अपीयर होता नहीं है क्योंकि प्रीमियम को हमने एक्सपेंस माना था सी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ जे शुड बी मेड शुड बी मेड शुड बी मेड विथ सरेंडर वैल्यू विथ सरेंडर सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी ऑफ पॉलिसी ऑन एडमिशन ऑन एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट अगर वो एडमिशन हो चाहे वो रिटायरमेंट हो भी रिटायरमेंट केस के में भी देखेंगे ऑफर पार्टनर तो हमें ट्रीटमेंट किससे करना है सरेंडर वैल्यू से क्योंकि वहां पे हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगा नंबर डी पॉइंट कहते हैं कि देर इज नो यूज नो यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देर इज नो यूज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी है ना फेस वैल्यू पॉलिसी याद रखना पॉलिसी का जो फेस वैल्यू है उसका कोई यूज नहीं क्यों यूज नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे पॉलिसी कब मिलेगा जब किसी का डेथ होगा यहां तो डेथ हुआ ही नहीं है ये तो बीच में ही हम कोई पार्टनर जा रहा जी तो उस दिन हमारा सरेंडर वैल्यू क्या होगा हम उसी के बेसिस पे ट्रीटमेंट करेंगे है ना और ई पॉइंट लिखेंगे आप यहां पे कि ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट शुड बी मेड शुड बी शुड बी मेड मेड़, ओनली बाई पासिंग ओनली बाई पासिंग ओनली बाई पासिंग क्या जी टेबल एंट्री टेबल एंट्री है ना क्यों क्योंकि याद रखना टेबल एंट्री जब हमने पास किया ना बच्चे तो इसमें भी देखो कहीं आपका जेएलपी का नाम नहीं आए, जैसे ही जेल का नाम आ जाएगा ना जेल का नाम तू तो, तो सेट्स बन जाएगा जो हमें सेट मानना नहीं है तो भैया बिना जेएलपी के ट्रीटमेंट का काम करना है तो टेबल एंट्री यानी कि ट्रीटमेंट शुड मेड ओनली बाई पासिंग टेबल एंट्री टेबल एंट्री इन केस, इन केस केस ऑफ इनकेस ऑब्लिक प्रीमियम कुछ भी बोल दे प्रीमियम पेड पेड इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस जब भी क्वेश्चन कह देगा कि भैया जेएलपी प्रीमियम को आप एक्सपेंस मानते हुए ट्रीट कीजिए तो एक्सपेंस मानते हुए ट्रीट करने का मतलब क्या आपका या तो कह दीजिए एक्सपेंस मानते हुए ट्रीट कीजिए ऑब्लिक इसको कह देगा कि आपका विदाउट रेजिंग वो कह देगा विदाउट रेजिंग ऑब्लिक है वहां पे विदाउट रेजिंग जेएलपी अकाउंट तो जेएलपी अकाउंट को बिना रेज किए हुए मतलब बिना बुक में दिखाए हुए तो बुक मतलब क्या बैलेंस शीट बैलेंस शीट में हम कब दिखाएंगे जब वो एसेट है जब एक्सपेंस है तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसको बैलेंस शीट में दिखाने का फिर बच्चे हमेशा क्या होगा हम टेबल एंट्री पास करेंगे काफ आपका टेबल एंट्री क्या है जी मैं आपको बता दूं टेबल एंट्री क्या है तो टेबल एंट्री यहां पे है गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग मतलब जो गुडविल में था ना बिल्कुल सेम जो गेन करेगा आज वो देगा जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगा और ये जो गेन करेगा कौन से रेशियो में गेनिंग रेशियो में और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको किस रेशियो में दिया जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यही काम निकल के आ रहा है कुछ भी नहीं है और मैं तो कहता हूँ यार इतना भी इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग क्यों निकालना वो टेबल एंट्री पास करो और आप अपना एंट्री कीजिए पूरे मार्क्स मिलेंगे आपकी मर्जी है जैसे करो आप कोई दिक्कत नहीं है जिसमें अच्छा लगे आपको जी बट आंसर सेव होना चाहिए अब पढ़ो ना एक बार दोबारा क्वेश्चन को क्लियरिटी अब आपके दिमाग में आएगी कहता है कि एक सो आई जेड आर पार्टनर प्रॉफिट इक्वली दे है जो प्रीमियम जो पे करा फोर्टी उसका भी हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं है क्योंकि हमें एंट्री कब पास करना है जी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट हम उस एडमिशन रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं ना कि प्रीमियम पे करने की बात कर रहे हैं <coughs> अगर वो कह देगा कि नहीं जी जितने साल जो प्रीमियम पे किया गया उसकी भी एंट्री पास करो तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया ये आपका ऐसे ही होगा प्रीमियम पेड प्रॉफिट लॉस प्रीमियम पेड प्रॉफिट लॉस खत्म हो गई बात और लास्ट में फिर जब आपका रिटायरमेंट होगा तो एक एंट्री मैंने आपको दिखा दिया ठीक है ना तो ये हमारा आपका थर्टी क्वेश्चन था जो पॉलिसी का फेस वैल्यू दिया उसको हमने कोई यूज नहीं इसको, पूरे क्वेश्चन में क्यों नहीं किया क्योंकि no वो तब होगा अगर कोई किसी पार्टनर का डेथ हुआ रहता हम आगे भी उसका देखेंगे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट नहीं सर तो ट्रीटमेंट ऑफ जेल्पी शुड मेड ओनली मेड सरेंडर वैल्यू इस बात को ध्यान रखेंगे ना कि फेस वैल्यू Now, अब जरा मैं यहाँ पे तो एडमिशन था कम टू रिटायरमेंट यानी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री को देखते हैं एक बार थर्टी थ्री को मैं यहाँ पे और आगे बढ़ता हूं और आपको चीजों को ठीक से समझाऊंगा पहले आओ ना क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री उसको भी समझते हैं फिर हम उसको देखेंगे जी आपका नोट क्या निकल के आता है थर्टी थ्री आपका थर्टी थ्री एक्चुअली केस है ये केस आपका है कि वेन ये ये क्वेश्चन करा रहा हूँ वेन जे एल पी इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट एज एन एसेट अगर हम उसको एसेट ट्रीट करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा कब इन केस ऑफ एडमिशन कम रिटायरमेंट यहां पर भी लिख दो <coughs> खांसी क्यों आ रही है थर्टी टू क्वेश्चन जो था आपका कहाँ सॉल्व किया था ये था ना तो यहां भी आप लिख दो ताकि आपको रिविजन के टाइम पर दिक्कत ना हो ये आपका क्या था जी थर्टी टू तो ये था मेरे बच्चे uh, ये सोल्यूशन था वेन जे एल पी एज ट्रीटेड जे एल पी या प्रीमियम दोनों में कुछ भी बोल सकता है इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस अगर वो एक्सपेंस ट्रीट हो रहा होगा तो उसका ट्रीटमेंट पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं एडमिशन या रिटायरमेंट का भी डेथ की बात नहीं कर रहे हैं बार बार कहीं आप कन्फ्यूज ना हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी है ना तो अभी सिर्फ हम एडमिशन रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं क्यों नहीं ऊपर जा रहा हा? ये लीजिए तो हम लोग अभी यहां पे क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं आपका थर्टी थ्री क्वेश्चन ठीक है अच्छा लग रहा है आपको ये सर आओ थर्टी थ्री देखते हैं कि अगर एसेट्स के रूप में तो क्या मतलब निकल करता है पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री शेयरिंग प्रॉफिट टू दे लाइफ पॉलिसी फॉर रुपीज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड सी रिटायर्स कहता है कि ऑन दैट डेट सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी आपका फोर्टी थाउजेंड ध्यान से सी का रिटायरमेंट हुआ और पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू वहां पे फोर्टी थाउजेंड मेक जनरल एंट्री पार्टनर डिसाइडेड टू शो जेएलपी इन द बुक्स ऑफ इन दोनों क्वेश्चन में फर्क समझो मेरे बच्चे पिछले वाले क्वेश्चन में उसने दो शब्द यूज किया था एक तो जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस अगर वो वहां पे यूज ना भी करता और लास्ट लाइन पढ़ना फिर कि शो ट्रीटमेंट विदाउट रेजिंग जेएलपी अकाउंट <laughs> इस बात की हंड्रेड परसेंट की गारंटी है कि जेलपी को जब भी एक्सपेंस ग्रुप में ट्रीट किया जाएगा वो कुछ ना कुछ हिंट देगा हिंट क्या देगा जी या तो जेलपी का ट्रीटमेंट करो विदाउट रेजिंग जेलपी अकाउंट या फिर जेएलपी को ट्रीट किया जा रहा है, में या प्रीमियम डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऐसा कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर ये हंड्रेड परसेंट है यहां पे अगर कहता है कि जेएलपी को बुक में शो करना है तो मेरे बच्चे बैलेंस शीट में अगर आप जेएलपी को शो करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या हम उसको एसेट्स में ट्रीट करना चाहते हैं ग्रुप में तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं थर्टी थ्री के अंदर में ये देखो आप पे आ, आ, हुआ क्या था जी कुछ ऐसी बातें थी कौन कौन से पार्टनर्स थे पहले से ए बी सी तो ये ए बी और सी पार्टनर्स थे इनका प्रॉफिट रेशियो क्या था टू एच टू वन एच टू वन टू टू वन एच टू टू का आपका ये कह रहा है, कहता है कि यहाँ पे किसका रिटायरमेंट हो रहा है जी ये रिटायरमेंट है सी रिटायर्स तो सी जा रहा मेरे बच्चे अगर सी का यहां पे रिटायरमेंट होता है तो उस केस में अब पार्टनर्स कौन रह जाएगा ए एंड बी और उस केस में इनके बीच का रेशियो कुछ चेंज बता रहा है क्या सी रिटायर्स और नहीं सर कुछ नहीं बता रहा है. तो ऑब्वियस बात है कि जो रेशियो पहले था टू इज वन वही आपके बीच में रह जाएगा सी को बस हटा दो कहता कि मेक एंट्री इफ पार्टनर डिसाइड टू शो जेल पी इन द बुक्स ऑफ हम जेल पी को बुक में दिखाना है अब ध्यान दो क्वेश्चन के अंदर में जेएलपी को कहता है कि अब आपको फोर्टी पे दिखाना है फोर्टी पे क्यों क्योंकि सरेंडर वैल्यू फेस वैल्यू कोई यूज ही नहीं मेरे बच्चे फेस वैल्यू का यूज तभी होगा अगर किसी पार्टनर का डेथ होगा या मेच्योरिटी पीरियड आपको आ जाएगा आज एडमिशन है रिटायरमेंट है तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या देखना होगा सिर्फ सरेंडर वैल्यू आप बताओ सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन उसका यूज ही नहीं है वो तब यूज होता जब किसी का डेथ होता कहा किसी के डेथ की बात कर रहा बताओ ना <coughs> वो केस अभी नीचे में आएंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे अगर कहता है आपका सुनो मेरी बात देखो मैं ट्रीटमेंट कैसे करूंगा एबीसी पार्टनर से सी का आपका ये। अब क्या, अभी भी जेएल को हमें दिखाना है तो फिर हम टेबल एंट्री नहीं कर सकते बच्चे। टेबल एंट्री तब था जब जेएलपी को नहीं दिखाना था अगर दिखाना है तो हम क्या करेंगे कुछ भी नहीं आप एक काम करना यहाँ पे एंट्री में एक एंट्री पास होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड हम अब इसको बुक में दिखा रहे हैं कितने पे दिखाएंगे नो डाउट विथ सरेंडर वैल्यू सिर्फ फेस वैल्यू क्यों नहीं अरे कैसे आ, आप एसेट्स को उतने पर ही दिखाते हो जितना बेच के हमें पैसा मिलेगा जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है तो आज तो पॉलिसी आपका वन ट्वेंटी का है ही नहीं वो तो तब होगा ना जब कोई मरेगा तो अगर हम जेएलपी को एसेट्स के रूप में दिखाना चाहते हैं तो हम उसके सरेंडर वैल्यू पे दिखाएंगे जब तक कि किसी का डेथ ना हो जाए ठीक है ना तो जेएलपी को हम डेबिट करेंगे आपका फोर्टी ना सवाल उठता है ठीक है जी फोर्टी थाउजेंड किस किसके बीच में तो इसके लिए प्रीमियम किसने पे किया था तीनों ने ना तो यानी कि टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट है ना अरेज कर दिया हमने किसके बीच में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड टू एंड टू रटना नहीं समझना क्योंकि इसके लिए प्रीमियम हम तीनों ने पे किया था तो हम तीनों के अकाउंट में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका सिक्सटीन uh, थाउजेंड

कि अब जो इसके रिटायरमेंट के बाद नया बैलेंस शीट बनेगा अब वहां पे जेएलपी दिखेगा बैलेंस शीट में दिखना शुरू हो जाएगा एसेट्स ग्रुप में चालीस हजार रुपए पे और मेरे बच्चे ये अमाउंट हमने क्या किया जी ए बी सी के अकाउंट में ऐड कर दिया ए में सिक्सटीन थाउजेंड बी में आपका एट थाउजेंड और सी में कितना सिक्सटीन थाउजेंड तो जब सी का हिसाब होगा ना सी का जब हिसाब होगा कि भैया हमें <laughs> कितना पैसा आज पे कर रहे हो तो उनके हिसाब में हमने क्या किया जे में जो आपकी हिस्सेदारी है एड कर दिया उतना पे कर दिया जाएगा तो सी का भी झगड़ा खत्म हो गया और जेल भी बुक में ये होता है जेल पी को के रूप में शो करना आप समझो मेरी बात ना तो एक्सपेंस में क्या था जी जब भी एक्सपेंस पे बोल देगा तो टेबल एंट्री है क्योंकि हम जेल पी बुक में नहीं दिखा सकते और जब एसेट कहेगा तो इस तरीके से काम करेंगे मेरे बच्चे आप मेरी बातें समझ रहे हो ना ये सर कुछ दिमाग में आ रहा है ये सर मत अभी आने दो अभी ना मेरे बच्चे भी टॉपिक चल रहा है ना अभी चलने दो तो कम से कम थोड़ा समय गुजारो तो कम से कम मेरे साथ अभी अभी आगे बढ़ो तो यहाँ पे मकसद बताओ आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ हुआ सर क्या एक तो उसने कहा जेल को बैलेंस शीट में दिखाना हमने दिखा दिया और सी का डिस्प्यूट भी खत्म हो गया क्योंकि वो जा रहा है तो जितनी उसकी हिस्सेदारी बन रही है हम उतने उसके अकाउंट में ऐड कर दे रहे हैं एक्चुअली जो पिछली क्लास में था ना गुडविल इज टू बी रेस्ड जो अनएथिकल था <coughs> टेक्निकली गलत था वही काम यहां हैं। बट यहां कोई गलत नहीं है इसलिए क्योंकि जेएलपी पे कोई मेरे बच्चे एस नहीं है तो जेएलपी के ट्रीटमेंट आप जैसे करना चाहें दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आप मेरी बातें समझ रहे हो ना ये सर लिखो जरा यहां पे इंपॉर्टेंट नोट <coughs> कहते हैं ये कब है वेन जे एल पी इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड एज एन एज एन एसेट अगर हम उसको एसेट ट्रीट करते तो हम क्या करेंगे नंबर वन पहला पॉइंट नंबर ए कर दीजिए आप जे एल पी इज शोन एज एन एसेट एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट इन द बैलेंस शीट बैलेंस शीट कौन सा प्राइस पे एट इट्स सरेंडर वैल्यू मेरे बच्चे इसका जो सरेंडर वैल्यू होगा ना हम उस पर आज शो करेंगे है ना क्योंकि यहाँ पे नंबर बी लिखेंगे आप नंबर बी एंट्री क्या बनेगा एंट्री क्या बनेगा जी तो मेरे बच्चे एंट्री हुआ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड है ना ये एंट्री किससे होगा विद सरेंडर वैल्यू है ना क्योंकि आज जो एसेट्स की वैल्यू क्रिएट हुई ना जितनी वैल्यू हम उसी पे दिखाएंगे जेएलपी टू जेल पी अकाउंटेब टू आपका वो क्या बोलते हैं पार्टनर्स का नाम क्या है आ, मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है एक्चुअली एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से जितने पार्टनर जिन्होंने इसके लिए प्रीमियम पे किया है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना और किस रेशियो में इन देर ओल्ड रेशियो ऑब्वियस बात है जो जिसने प्रीमियम पे किया था उसी के बीच में हम ऐड करेंगे ये काम आपका हो गया समझ मेरी बात यहाँ पे ये सर तो हमने ये एंट्री किया और ये जे एल पी टू एक्जिस्टिंग पार्टी इन दोल्ड रेशियो नंबर सी कहते हैं कि नो यूज ऑफ नो यूज ऑफ क्या जी क्वेश्चन के अंदर में प्रीमियम कितना पे किया प्रीमियम पेड का कोई यूज यहां पे नहीं है है ना ऑब्लिक जो फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी है कोई यूज नहीं है फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी का कोई यूज नहीं है क्योंकि हमारा यूज किसका है सरेंडर वैल्यू का तो मेन जे इज ट्रीटेड एज एन एसेट कब ये बात कर रहे हैं इनकेस ऑफ चाहे वो एडमिशन हो मेरे बच्चे और चाहे वो रिटायरमेंट हो अगर ये क्वेश्चन एडमिशन का होता ना तो जिस दिन कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है उस दिन पे आपके जेल पी के जो सेंडेवल वैल्यू हम डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर के बीच में क्योंकि हम बताएंगे भैया हमारा है हमारे बीच में ऐड हो जाएगा न्यू कॉस्ट कुछ है नहीं अगला क्वेश्चन देखते ना वो, वो हमने एडमिशन पे ही तो डाला हुआ है आओ ना आओ ना थर्टी फोर क्वेश्चन थर्टी फोर आप आप मेरी बातें समझ रहे हो ना सर क्यों आप बोर करते हो बहुत बोर करते हो सर बार बार एक सवाल पूछ के आप पढ़ाओ ना हमारा टाइम क्यों बर्बाद करते हो ठीक है किससे बात करो जरा बताओ सिर्फ पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो यही जिंदगी मेरी क्या एक मिनट के लिए बात नहीं कर सकता मैं आपसे यह बदमाश कैमरा टुकु 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 देखते रहता एक शब्द मुझसे बात नहीं करता किससे बात करो जरा बताओ पूरी दुनिया में एक इंसान बताओ जो मुझसे बात करने को तैयार हो सुबह से शाम 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 से लेकर रात रात से फिर सुबह इस स्टूडियो में पढ़ा रहता हूं ना किसी से बात करना ना कुछ बस बोलते रहता हूं अपने आप क्या करूं बताओ किससे बात करूं और थोड़ा सा आपसे बात कर भी दिया तो आप ऐसे गुस्सा हो जाते हो कि मैं क्या करूं पानी पी लेता हूं फिर अमृत भी नहीं मिराज मम्मी ने दिया नहीं मुझे सब गुस्से मुझसे सब दुनिया का एक एक इंसान मुझसे गुस्सा पड़ा हुआ है आपको भी मिला के बस इसी का सहारा है ये कभी बोलता नहीं है और मेरा बेचारा कैमरा नहीं बोलता ये मेरे दोनों साथी हैं पी लेन दो दिख रहा है कुछ यहां पे सर इसकी बोतल दिख रही है शायद वो अब अभी भी दिख रहा है सर चलो हटा देता हूँ थर्टी फोर पढ़ो अब थर्टी फोर थर्टी फोर पढ़ेंगे आप क्या बोलता हैं <coughs> कहता है कि पढ़ो ना थर्टी फोर ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ थ्री टू टू कहता है कि पार्टनर्स के बीच का जो रेशियो है वो थ्री टू का दे हे टेकन ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फॉर फाइव लैक्स रुप लाख रुपए की पॉलिसी है इसमें कहीं भी आपका डाउट ना होगा दिस इज ऑफ फेस वैल्यू पॉलिसी सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर वन फोर शेयर ऑन द डेट ऑन दैट डेट सिलेंडर वैल्यू कहता है कि पॉलिसी का टू लैख फोर्टी थाउजेंड है पॉलिसी का सिलेंडर वैल्यू टू फोर्टी कहता है मेक एडजस्टमेंट एंट्री मेरे प्यारे बच्चों मेरे भोले भोले बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री का क्या मतलब हुआ टेबल एंट्री और टेबल एंट्री का मतलब क्या हुआ कि जेलपी को हमें नहीं दिखाना है. मतलब ये इनडायरेक्टली आपको इशारा कर रहा है कि आपको जेएलपी को एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करना है क्योंकि अगर कहता कि जेएलपी को बुक में दिखाओ तब तो मैं सेट मानता यहाँ पे जेल को एक्सपेंस ग्रुप में ट्रीट हो रहा है इसका मतलब निकल के आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ और आपके पास लेकर आऊँ सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्टी फोर है ना जेल का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एडमिशन निकल के क्या निकल कर आप पढ़ो ना मैं आपको उसी तरीके से दिखाऊँ आपको लॉजिकल बात करूँगा ए बी पार्टनर्स से रेशियो थ्री का आज हमने सी को एडमिट किया तो आज के बाद मेरे बच्चे तीन लोग हो जाएंगे ए बी एंड सी और जब नया रेशियो निकालोगे तो नाइन इच टू सिक्स इच टू फाइव का हो जाएगा है ना तो यहां पे बात उठी कि यार सोचो जब सी का एडमिशन हो जाएगा तो आज तक जो हमने प्रीमियम पे किया था प्रीमियम पे किया तो उसमें तो सिर्फ हमारी हिस्सेदारी है मानता हूं जब सी यहां पे एडमिट होगा तो आगे प्रीमियम का अमाउंट हम तीनों मिलकर पे करेंगे वो आगे जब तीनों मिलके पे करेंगे जो पॉलिसी होकर अमाउंट मिलेगा उस केस में वो हम तीनों का होगा आगे ठीक है बट आज तक जो प्रीमियम पे किया गया है उसमें तो सिर्फ ए बी का हिस्सेदारी बनता है है ना तो बैठे बैठे सी को फायदा देंगे नहीं वो कहता है कि टेबल एंट्री पास कर लो मतलब आप उस झगड़े खत्म कर लो तो क्या करेंगे जी ये देखो आप ए बी एंड सी आपने यहां पे जेलपी का जो सिलेंडर वैल्यू है उसका हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में यहाँ पे क्या करेंगे जी क्रेडिट है ना क्रेडिट का मतलब उसमें कितनी कितनी आपकी हिस्सेदारी क्रेडिट का मतलब हिस्सेदारी कितनी वही बताने का uh, कहने का मतलब मेरा क्रेडिट है एक uh, ट्रिक मैंने निकाला बस और कुछ नहीं है <coughs> तो मेरे बच्चे सरेंडर वैल्यू से काम करेंगे जी टू फोर्टी टू फोर्टी में हमारा टू टू लैख फोर्टी थाउजेंड में आपका रेशियो थ्री टू डिड बाई फाइव इंटू थ्री ये आ गया वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड तो वन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री और और तो ये आ गया इतनी 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 हम लोग की हिस्सेदारी है है ना इतनी इतनी। लेकिन क्योंकि अब सी आ जाएगा और आगे वो भी इसमें तो मांगना शुरू कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे न्यू पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में न्यू रेशियो में हम इसको यहां पे क्या करेंगे जी डेविड करेंगे नया रेशियो नाइन सिक्स फाइव तो मेरे बच्चे टू लैख फोर्टी थाउजेंड डिवाइड बाई टू फोर्टी नहीं ये सर नाइन uh, कितना हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी डिवाइड बाई ट्वेंटी इन टू नाइन तो ये इनका आ गया वन लैख एट थाउजेंड इनका आ गया आपका सेवेंटी टू थाउजेंड और उनका आ गया आपका सिक्सटी uh, थाउजेंड का अमाउंट यहाँ पे सिक्सटी थाउजेंड तो आओ चेक करो ना क्या इम्पैक्ट यहाँ निकल के आ रहा है जी हमारा क्या निकल के आ रहा है ये देखो एक क्रेडिट बढ़ा है तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा कितने से वन फोर्टी फोर थाउजेंड माइनस वन एट थाउजेंड आ गया थर्टी सिक्स थाउजेंड है ना बी को नाइन्टी सिक्स आपका क्रेडिट है सेवेंटी टू डेबिट है तो ट्वेंटी फोर इनका भी हमें क्या करना होगा क्रेडिट करना होगा और इनको डेबिट करना होगा मेरे बच्चे सिक्सटी थाउजेंड का अमाउंट तो आपकी जो एंट्री यहां पे पास होगी वो आपका सेज कैपिटल है ना सेज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड अकाउंट डेबिटेड टू ए एंड टू बी अगर फिक्स कैपिटल होता तो हम ये काम करंट अकाउंट से करते तो एनी anyway, वे वो तो आप समझ चुके हैं uh, करंट लिख रहा हूं देख रहा हूं बोलता हो तो दिमाग वहीं चला जाता है बीज कैपिटल अकाउंट इसलिए बोलता है नहीं मैं उल्टी सीधी बातें ये सिक्सटी और यहाँ पे थर्टी सिक्स एंड ट्वेंटी फोर है ना तो ये थर्टी फोर जो है ना ये आपका ट्रीटेड है ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एज एन एज एन एक्सपेंस वो हमें पढ़ के लगा क्योंकि टेबल एंट्री कर रहा है एडस्ट एंट्री अगर कहता है कि इफ इफ ट्रीटेड एज एन एसेट अगर कहता है कि नहीं जी आप इसको एज एन एसेट आप उसको एसेट के रूप में ट्रीट कीजिए ओनली फॉर नॉलेज मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना <coughs> क्वेश्चन नहीं बोल रहा वो कहता है कि अगर मान लो कि एसेट के रूप में ट्रीट करते तो हम क्या करते हैं जी हम बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में जेएलपी दिखाते सरेंडर वैल्यू टू फोर्टी और ये सिर्फ हमारा है जी इस बात को अपने अकाउंट में ऐड करके दिखाते तो एंट्री हो जाता जे एल पी अकाउंट डेबिटेड बार बार कह रहा हूँ लिख देना ओनली फॉर नॉलेज क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये रिविजन में अगर इनकेस पूछता तो हम ऐसे करते हैं तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट तो ये एंट्री बन गया आपका इन दर ओल्ड रेशियो ये एंट्री हमेशा क्या होता है ओल्ड रेशियो के अंदर में थ्री इज टू टू मतलब ये एंट्री 144 हमारा है जी है ना और 96 जब हमने अभी वो अपने अमाउंट में ऐड कर लिया तो फिर झगड़े खत्म हो जाएंगे आगे जो वैल्यू बढ़ेगा वो हम तीनों का होगा बट इतनी वैल्यू सिर्फ हम दोनों की है ये आपका था इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट के बीच में ट्रीटमेंट मेरे बच्चे ठीक है ना कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर तीसरा आता है अब हम आगे डेथ में सर आपने जब लिखाया था सर तो आपने लिखाया था कि जब जेएलपी को हम लोग ट्रीट करते हैं तीन तरीके से और आपने अभी दो ही बताया ये देखो ना सर आप भूलने की आपकी आदत है यहाँ पे आपने कहा था कहा चला गया बदमा ये कि ट्रीटमेंट करने के हमारे पास तीन थे एक तो आपका था जी एसेट एक्सपेंस तो इसका यूजना सिर्फ और सिर्फ डेथ के केस में होता है तो हम डेथ में इसको समझेंगे एडमिशन रिटायरमेंट में दो के ही यूज होते हैं डेथ के केस में तीसरा आता है मैं अभी समझाऊंगा और सब में समझाऊंगा आप चिंता नहीं करो मैं हूं ना अभी जिंदा मैं ना आपके साथ मैं तो कहता हूं कि जेएलपी का क्वेश्चन एग्जाम में अगर अलग से भी आ गया, चार में, इवन कभी कभी क्वेश्चन अरे कौन कहता है कि नॉलेज को अधूरा रखो आज जब आप रोड से बाहर निकलोगे आपके चेहरे पे ऐसे चमक दिखेगी मेरे बच्चे ऐसी ऐसी शक्तियां आपके अंदर में प्रवेश कर रही है जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप बिलीव तो करो एक बार आप बाहर निकलो तो कम से कम आप एक बार सूरज के सामने खड़े तो सूरज को शर्माना पड़ जाएगा इतने चमक आपके अंदर में आ रही है बिलीव कीजिए मेरी बात अगर विश्वास नहीं है तो आप आप जब कभी पापा आपके बहुत गुस्से में कहीं काम से आए हैं किसी ने उन किसी से झगड़ा हुआ है और बहुत गुस्से में एक बार उनके चेहरे पे, जब मतलब जब गुस्से में खूब रहेंगे और वहां पे एक बार उनके सामने खड़े हो जाओ और एक बार आप स्माइल पास करो ना वो चमा को शक्तियां दिखाओ ना क्या बॉडी लाल होंगे और बॉडी के हर एक हिस्से में आपको लाल लाल चीजें जब दिखने शुरू हो जाएंगी ना वो आपकी शक्तियां आपको एहसास कराएंगी ये आपका जेल की शक्तियां है जेल का तो वही मैं आपके अंदर भर रहा हूँ सर पिटवाने की बात कर रहे हो मचे वो मैं नहीं जानता आप पापा मम्मी से एक बार एक्सपेरिमेंट करना ना मम्मी से करना पापा से या दोनों के एक साथ करना दोनों से करोगे तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा मैं अब यहां पे आ रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ जे लिखिए मेरे साथ हेडिंग डालेंगे ट्रीटमेंट ऑफ जे एल पी जे एल पी इनकेस ऑफ इनकेस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर डेथ अब कोई पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है तो उस केस में हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे तब तो ठीक है जी मर गया अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो आपको पॉलिसी के अब फेस वैल्यू से ट्रीटमेंट करना होगा क्योंकि अब पैसा आपको मिलेगा मेरे बच्चे है ना तो हम उसका देखेंगे क्या निकल के आता है चलिए शुरू करते हैं आपका ट्रीटमेंट ऑफ जेल पी इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव अब कहता है कि पढ़ेंगे आप एक्चुअली मुझे इस डेथ डेथ के, के केस में मुझे कई सारी बातें समझानी है कि पूरा अकाउंटिंग भी कैसे होता है आपको मजा आएगा जहाँ देखते हैं राम रंजन एंड सॉरी राजा राम एंड रंजन शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी देव पॉलिसी छह लाख रुपए की आपकी पॉलिसी हैीमियम पेबल वाज रुपये सिक्सटी थाउजेंड जिसीमियम पे करते हैं पॉलिसी कब दिया था फर्स्ट जुलाई को एक्चुअली मैंने पूरी हिस्ट्री यहां पर दी है राम डाइड ऑन थर्टी सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड क्लेम वॉज एडमिटेड विथ इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं कि ट्वेल्थ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को क्लेम वॉज रिसीव सरेंडर वैल्यू कहता है कि पॉलिसी का ऑन डिफरेंट डेट्स अच्छा मुझे डिफरेंट डेट्स का आपको बता रहा पहले दूसरे तीसरे चौथे साल का पहले साल में नहीं यानी कि पहले साल में अगर आपने प्रीमियम पे करके पॉलिसी तोड़ा तो कोई अमाउंट नहीं मिलेगा दूसरे साल में 80 फिर तीसरे साल में 120 चौथे में 2 लाख ठीक है मेक एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इफ जेएलपी वाज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस जेएलपी कह देगा या प्रीमियम कह देगा कि अगर एक्सपेंस तो क्या करेंगे जेएलपी वाज ट्रीटेड एज एन एसेट और तीसरा जेएलपी ट्रीटेड एज एन एसेट एंड रिजर्व अकाउंट इज मेंटेन तीनों में आपको समझाऊंगा अगर एक क्वेश्चन फुल फ्रिज आ क्योंकि आपके एग्जाम में देखा गया है कि फुल फ्रिज क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी आया बट पूछ देता है तो हम उसकी भी तैयारी क्यों छोड़ें हम उसको भी करेंगे तो आइए जरा सोल्यूशन कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का पहले मैं आपको डायग्राम से पहले बातें समझाऊँ ये लीजिए आज कहता है कि यहाँ पे तीन पार्टनर्स और बच्चे ए रा, राजा राम एंड रंजन तीन पार्टनर्स थे राजा राम एंड रंजन है ना ट्रिपल आर इनके बीच का रेशियो था वन इज टू वन इज टू वन ठीक है कहता कि इन्होंने फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी को मान लो आपका दिस इज फर्स्ट जुलाई फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी यहां पर उन्होंने क्या किया प्रीमियम पे किया पॉलिसी लिया तो प्रीमियम पे किया आप मुझे बताओ यहाँ पे प्रीमियम कितना पे किया उन्होंने क्या प्रीमियम चल रहा आपका प्रीमियम कहता है कि आपका जो पे किया गया इट्स सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड का अमाउंट है ठीक है मुझे पहले ये बता दो डेथ कब हुआ है कब उसका डेथ हुआ है राम ऑन मैं वो डेट पहले फिक्स कर लूं क्योंकि 30th 2022 ये आपका डेट ऑफ मेच्योरिटी है मेरे बच्चे तो राम अगर यहां मर गया तो इसके बाद के अकाउंटिंग थोड़ा ही करना पॉलिसी तो सब कुछ यहीं पर मिलकर और काम खत्म हो जाएगा तो हमारा ये राम का डेथ हुआ है ठीक है यहाँ पे देखो जरा लास्ट में लिखा है मेक एंट्रीज अकाउंट्स Uh, assuming अकाउंट्स सर क्लोज मैं अभी लिख रहा हूँ एक्चुअली मिसिंग था Assuming अकाउंट्स uh, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ अकाउंट्स आर क्लोज क्लोज एवरी ईयर एवरी ईयर ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च के हर एक साल अकाउंटिंग आपका क्लोज होता है ठीक है ना इफ़ कहता है ये तो मैं आपको पहले मतलब बता दूँ कि थर्टी फर्स्ट मार्च को प्रीमियम कभी पे कर सकते कोई दिक्कत नहीं है जब क्वेश्चन बोलेगा तो मेरे बच्चे थर्टी मार्च पहला आपका कहां पर आएगा यहाँ पे यह हो गया थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फिर आपका आएगा यहाँ पे एक थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और इसका एंड होगा आपका यहाँ पे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आपका है ना तो एक्चुअली तीन साल की हमारे पास अकाउंटिंग है इसके बाद ध्यान देना अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्लेम आपको जो जब मरा था तो क्लेम एडमिट हुआ था जी 30 सितंबर को यहां हमारे बच्चे राम डेड एंड क्लेम एडमिटेड यहाँ पे आपने क्या किया क्लेम एड मतलब तो इंश्योरेंस कंपनी से आपने यहां क्लेम किया बट तो पैसा मिला कब है इट्स ऑन ट्वेल्थ नवंबर 2022 कहता है कि ट्वेल्थ नवंबर आपका 2022 को यहाँ पे क्लेम रिसीव किया आपने Claim हमें इसकी अकाउंटिंग यहाँ पे करना है ठीक है ना मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दू आप मेरे साथ लिखिए क्योंकि इससे क्लियरिटी आएगी जब क्वेश्चन में बहुत सारे डेट्स होते हैं कोई भी चैप्टर हो तो डायग्राम पहले हम बनाते हैं ना पहले मैं आपको यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ना कि पहले अकाउंट ही बना दो और फिर एंट्री सिखा दूंगा अकाउंट जरा बताओ केस नंबर वन में आपको क्या बता रहा जी पहला केस जब जे एल पी जे एल पी इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस अगर हम उसको एक्सपेंस के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा एक काम करो ना आप यहाँ पे मेरे साथ बनाइए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट जेएल अकाउंट जेएल अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट कुछ भी बना सकते हैं तो मैं एक काम करूँ क्या जेएलपी अकाउंट की जगह पे एक्सपेंस जब ट्रीट होता है ना तो आप यहाँ पे प्रीमियम प्रीमियम ऑन जे अकाउंट बना लो है ना कोई दिक्कत नहीं है वो जे अकाउंट भी ठीक था बट ये बना लो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा दोनों का दो मीनिंग सेम होता है कोई दिक्कत नहीं है मार्क्स पूरे मिलेंगे नाम कुछ भी लिखिए तो ये ज़्यादा मुझे ऑथेंटिक लगता है इसलिए मैं ये बताता हूँ प्रीमियम पे कर रहे हैं आप मुझे बताओ फर्स्ट जुलाई को आपने प्रीमियम पे किया तो एक्सपेंस है ना बच्चे एक्सपेंस जब होगा तो हम डेबिट करते हैं यानी कि आपने फर्स्ट जुलाई साथ साथ कीजिए टू को आपने प्रीमियम पे किया कि टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट है ना हमने प्रीमियम पे किया कितना पे किया ट्रीट कि करते हैं तो हर एक साल के एंड में आप उसको थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को यह एक्सपेंस हमने कहां चार्ज कर दिया होगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिक्सटी थाउजेंड खत्म होगी बात ये पहला साल कंप्लीट हो गया हमारा है ना अभी हमने बताया तो था ऊपर में आपका आप उसी को ना प्रॉपर अकाउंटिंग में दिखा रहा हूँ ताकि बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप कर लें और अगर आ, बताऊंगा पहले आप लिखो फिर अभी यहाँ पे क्या अगले साल में जी? तो अगले साल में प्रीमियम फिर कब पे करेंगे आप फर्स्ट जुलाई जुलाई यानी कि 2021 को फिर से यहां पे प्रीमियम पे किया जाएगा तो अगले साल में यानी कि जुलाई 2021 टू को मेरे बच्चे फिर से आपने पे किया होगा तो टू बैंक अकाउंट और प्रीमियम क्योंकि हम बैंक से पे करते हैं तो बैंक लिखना अच्छा रहा कितना प्रीमियम पे किया हमने अगेन 60,000 ये फिर इस साल के एंड में यानी कि थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को यानी कि यहां पे हम क्या करेंगे जी इसको प्रॉफिट लॉस में हर एक साल जितने भी एक्सपेंसिज हमारे होते हैं हम उसको कहा ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी हमारा खत्म हुआ आप लिखो ना साथ साथ आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन और ये एट एड टेन टेन मार्क्स में आते हैं बच्चे पता नहीं क्यों छोड़ के आते बोलते कि यार ये तुमने पढ़ाई नहीं था क्या पढ़ने का है सब कुछ तो इंस्टीट्यूट ने आपको बताया करने के लिए फिर आइए अगले साल देखो थर्टी सितंबर को डेट हुआ और फर्स्ट जुलाई आपका डेट ऑफ पॉलिसी है तो आपने यहाँ पे इसका भी फर्स्ट सेवन 2022 को आपने पहले यहाँ पे प्रीमियम पे किया होगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रीमियम पे किया यानी कि आप यहाँ पे फर्स्ट सेवन 2022 को आप यहाँ बोलेंगे टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट कितना प्रीमियम पे किया हमने तो सिक्सटी थाउजेंड का अमाउंट आपका कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर अब मेरे बच्चे यहां पे थर्टी सितंबर को राम मर गया बात ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाहता हूं जब राम मरेगा ना तो अब जेएलपी आपका एसेट्स बन जाएगा कुछ भी हो सर क्या बात करो अभी कहा कि जेएलपी को एक्सपेंस ट्रीट करना हाँ मेरे बच्चे जेएलपी को एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा तब तक जल, जब तक वो उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं प्रीमियम पे कर रहे हैं हमारा एक्सपेंस माना जाएगा काम खत्म हो गया लेकिन अगर जेएलपी को अगर एक्सपेंस ट्रीट करो चाहे कुछ भी ट्रीट करो और पार्टनर का डेथ हो गया तो उस दिन तो अब जेएलपी एसेट्स बनाना उस दिन तो इंश्योरेंस कंपनी से जेएलपी का पैसा लेना मेरे बच्चे तो होगा क्या कि अब यहाँ पे हम लोग जब उसका डेथ हुआ तो अब यहाँ पे जेएलपी अकाउंट को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे जेएलपी अकाउंट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो कि हमारा एसेट है ये हमारा अकाउंट ओपन होगा और पता है ये आपका मैं आपको एंट्री भी साथ साथ करा दूँ क्या ज़्यादा मज़ा आएगा ताकि आप दोनों हर एक चीज़ को ना एक साथ समझेंगे तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं काम करता हूँ जे एल के बाद ना यहाँ पे जितना जैसे जे आपका मुश्किल से छः से सात लाइन लगेगा इसके बाद एक अकाउंट और खुलेगा तीन से चार लाइन का उतना जगह छोड़ के आप स्टार्ट कीजिए जनरल एंट्री मैं यहाँ लिखता हूँ यहीं चलो मैं भी लिख देता हूँ जी क्या जाता है आओ ना स्टार्ट कीजिए जनरल एंट्रीज क्योंकि एग्जाम में लेजर भी पूछ सकता है एंट्रीज भी पूछ सकता है आपको कुछ भी पूछ सकता है तो एंट्री इसी को तो कन्वर्ट करना है फर्स्ट सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी की एंट्री पास कीजिए हमने प्रीमियम पे किया तो प्रीमियम एक्सपेंस है डेबिट करेंगे प्रीमियम फॉर जे अकाउंट डेबिटेड अकाउंट डेबिटेड टू तो बैंक अकाउंट टू तो बैंक अकाउंट आप बताओ तो प्रीमियम कितना पे किया हम लोगों ने सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड की हमने एंट्री कर दी फिर मेरे बच्चे इसी साल के एंड में यानी कि सर जब हमें एंट्री करना होगा तो क्या हमें लेजर बनाना है ना मेरे बच्चों क्यों बनाएंगे आप ऐसे समझ नहीं पाओगे प्रीमियम पे किया फिर आपका प्रॉफिट लॉस पे मैं तो दोनों को एक साथ समझा रहा हूं इसलिए काम कर रहा हूं इसके बाद क्या करेंगे जी अब आ गया टू अगला साल आपका तो अगले साल में आप आइए और अगले साल में फर्स्ट सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन यहां पर आपका फिर से कहा गया प्रीमियम प्रीमियम फॉर जे एल पी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट और अगेन हमने कितना प्रीमियम पे किया है सिक्सटी थाउजेंड का अमाउंट सिक्सटी थाउजेंड फिर मेरे बच्चे इस साल के एंड में यानी कि थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 को आपने क्या करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड मतलब यही तो हो रहा बार बार टू प्रीमियम फॉर जेएलपी अकाउंट है ना जेएलपी अकाउंट ये कितना हो गया जी अगेन सिक्सटी थाउजेंड एंड सिक्सटी इसमें कोई डाउट नहीं सर अब मैं एक काम करता हूँ ये जो आपका अगला साल है ना जो थर्ड ईयर आए उसकी एंट्री में यहाँ दिखा दूँ क्या आप इसके नीचे ही लिखना बट मैं यहाँ दिखाता हूँ ताकि ये सामने दिखे आपको नाउ अब आपका क्या हुआ फर्स्ट सेवन 2022 को आपने प्रीमियम पे किया तो मेरे बच्चे प्रीमियम प्रीमियम फॉर जे अकाउंट आपने डेबिट किया सिक्सटी थाउजेंड एंड टू बैंक अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट ये हमारा क्या हो गया सिक्सटी थाउजेंड का अमाउंट आपका ये भी काम खत्म हो गया तो अब सुनो मेरी बात फर्स्ट सेवन इसके साल के एंड आने के पहले न बचे बहुत सारी घटनाएं घट गई और उस घटना में डेथ हो गया और डेथ पहले मतलब किसका राम मर गया और वो भी थर्टी सितंबर 2022 को तो मेरे बच्चे थर्टी सितंबर को हमें एंट्री लाना पड़ेगा थर्टी सितंबर 2022 2022 को सुनो अब क्या होगा आज जेलपी जब वो मर गया ना बच्चे तो मरने के बाद जरा बताओ क्या होगा मरने के बाद क्या होगा जरा मुझे बताओ सर आ, मैं बताता हूं छोड़ो ना अब मत सोचो बच्चे जब राम मर गया ना तो अब यहां पे राजा और रंजन जो पार्टनर्स है ना वो वो राम के लाश को उठाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और वो कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी भैया इंश्योरेंस कंपनी भैया देखो ना राम मर गया वो जो प्रीमियम आज तक हमने पे किया था ना अब तो पॉलिसी मेश्योर होगी आप हमें उसका पेमेंट कर दो तो मेरे बच्चे मरते ही लास्ट को लेकर ये दोनों गए होंगे इंश्योरेंस कंपनी पास क्योंकि लास्ट ले गए होंगे इसके हम कोई एंट्री पास नहीं करते हमारी एंट्री क्या होगी कि वहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने कहा होगा कि ठीक है जी हमने लास्ट देखा अच्छा लगा लास्ट हमें देखकर हम आपको पेमेंट कर देंगे पेमेंट किया नहीं मेरे बच्चे कर देंगे मतलब वहां पे एंट्री क्या होगा ये देखो आप कि जैसे ही अच्छा मैं थोड़ा इसको भी तोड़ता हूं और तोड़ता हूं मतलब वो जब जब वो मर गया ना थोड़ा सा और तोड़ता हूं जब राम मर गया तो ये दोनों पार्टनर्स ने उसके लाश को लेकर ना खुशियां मनाए होंगे मेरे बच्चे खुशियां क्योंकि मर गया पैसा मिलेगा तो खुशियां कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को ओपन करेंगे अब ये ट्रीट होगा और कितने से क्या सरेंडर वैल्यू से तो जेल पी डेबिट और ये जेल मेरे बच्चे किसको मिलेगा तो तीनों पार्टनर्स को एक को थोड़े यानी कि राजा का भी इसमें क्लेम है जितना राजा का क्लेम राजा के कैपिटल में फिर आपका दूसरा पार्टनर कौन है जी वो राम जो राम का क्लेम है वो राम के कैपिटल में राम कैपिटल अकाउंट और वो तीसरा तीसरा जो आपका रंजन है रंजन का सर राम तो मर गया हाँ मेरे बच्चे मर गया लेकिन पहले उसके कैपिटल में हिसाब करके फिर हम एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते हैं मैं अभी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा यहां पे जब वो मरा ना तो खुशियां हम मनाते हैं कि बीइंग जेएलपी जेएलपी एल ये हमने आज तो एसेट्स बन जाएगा अभी तक उसको एक्सपेंस मानना था बट अब तो एसेट्स मानेगा जे एल पी रेज एंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड 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 अमंग अमंग ऑल पार्टनर्स जितने पार्टनर्स आज थे ऑल पार्टनर्स इन इन प्रॉफिट रेशियो तो मुझे बताइए कि ये जो आपका सिक्स लैक्स रुपीज का अमाउंट है उसमें इस तीनों का रेशियो क्या था इक्वली था ना तो क्लेम कितना हो गया टू लैक्स रुपीज टू लैक्स रुपीज टू लैक्स रुपीज ये लो मेरे बच्चे हमने क्या किया यहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इसके बाद अब सुनो मेरी बात पहले खुशियां मनाई कोई पूछ दे किस चीज की एंट्री है तो बोलना कि हमारे सर ने बोला था खुशियां मनाने का खुशियां सर एग्जाम में भी शी ऐसे होता शायद ऐसे होता खुशी पता नहीं खुशियां 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 मतलब जैसे भी होता है मैं भूल गया हूं उतना है ना खुशियां आई थिंक खुशियां ऐसे होता है खुशियां है जैसे भी होगा मुझे छोड़ो ना मैं क्यों सब चक्कर में मुझे पढ़ाना चाहते हो मैंने सेलिब्रेट तो करें दो तो, मस्ती तो करें दो तो, उनके मस्ती के साथ खुशियां मनाएंगे ये खुशियां मनाएंगे कि एंट्री आपकी हुई खुशियां मना लिया इसके बाद मेरे बच्चे अब क्या होगा जी कि आज यानी कि थर्टी सितंबर 2022 को ही खुशी मनाने के बाद इस लाश को उठाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी भैया इंश्योरेंस कंपनी भैया पैसा पे कर दो ना मेरे बच्चे इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि लाश ठीक है अच्छा है लेकर जाओ जो करना करो इसका लेकिन अभी पेमेंट नहीं करेंगे अभी हम क्लेम आपका एडमिट कर रहे हैं एडमिट करने का मतलब कि ठीक है जी हम आपको इसके बदले में आपको पे करेंगे तो आप एक काम करना आपके बैलेंस शीट में जो जे नाम है ना अब उस नाम को हटा देना ये हटा देना और ये लैक्स रुपीज हटा देना और इतना पैसा मेरे नाम से अब लिख देना कि ये पैसा मुझे इंश्योरेंस कंपनी मतलब उस कंपनी के नाम को डेबिट कर देना कि ये पैसा मुझे क्या करना है जी इंश्योरेंस कंपनी से लेना है मेरे बच्चे ये है आपका बीइंग बीइंग अमाउंट ड्यू करने का दिस इज अमाउंट ड्यू है ना क्लेम को एडमिट करने का सर इंश्योरेंस कंपनी क्यों आपका आज पेमेंट नहीं करते? वो इंक्वायरी करती है कहीं आपने जान बुझ के तो नहीं मार दिया उसको बदमाशी तो नहीं किया ये तो नहीं किया इससे थोड़ा थो टाइम लगता है मेरे बच्चे इनको इंक्वायरी करने में और फिर अब जरा बताओ क्वेश्चन के मुताबिक पैसा कब मिला है वी हैव रिसिव दिन ट्वेल्थ नवंबर ट नवंबर को इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा पे कर दिया जब पैसा पे कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी को भी हटा दो ये जो इंश्योरेंस कंपनी आपने डेबिट किया था अब वो क्रेडिट हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी कितना सिक्स लैक्स और ये पैसा मिल गया तो बैंक में आपका पैसा चला गया बैंक अकाउंट डेबिटेड सिक्स लैक्स रुपीज का अमाउंट आपका ये एंट्रीज पास होगी ऑन द डेथ एंड ऑन रिसीविंग द अमाउंट ऑफ क्लेम अगर क्वेश्चन कहता है कि क्लेम अभी नहीं मिला है तो सिर्फ ये दो एंट्री पास करके छोड़ देंगे अगर कहता है क्लेम मिल चुका है तो मेरे बच्चे ये भी एंट्री आपको पास करना पड़ेगा बींग क्लेम रिसीव्ड बींग आपका क्लेम क्लेम का पैसा हमने रिसीव कर लिया है उसकी एंट्री हमने पास की कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर ठीक है तो मैं पहले आपको ना ये तीन एंट्री करना चाहता हूं तीन एंट्री एक तो खुशी मनाने का क्लेम एडमिट करने का और फिर आपका यहाँ पे क्या जी पैसा रिसीव करने का अब देखो ना मैं इसी को लिख लिया आपने ना अरे नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके कर लिख लो ना मैं क्यों रुकूं मेरी गति रुक जाएगी तो फिर काम खराब हो जाएगा मैं इसी चीज़ को यहाँ पे अब आपको एंट्री के रूप में दिखाना चाहता हूँ जे एल पी टू राजा राम रंजन तो आप आओ ना ये कब हमने किया थर्टीएथ सितंबर को थर्टीएथ सितंबर को आप यहाँ क्या, क्या करेंगे टू में जे एल बताइए राजा राजा कैपिटल अकाउंट टू राम कैपिटल अकाउंट राम कैपिटल अकाउंट एंड टू रंजन कैपिटल अकाउंट रंजन कैपिटल अकाउंट तो सिक्स लैक्स में आपका कितना टू लैक्स रुपीज टू लैक्स रुपीज एंड टू लैक्स रुपेज है ना ये एंट्री हो गई पहली वाली जे एल पी अकाउंट डेबिटेड टू तो ये दूसरी एंट्री में, में मेरे बच्चे आप देखेंगे यहां पे क्या अब जे एल पी के नाम को हमने हटा के नाम क्या लिखा था यहां पे इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी टू जे यानी कि आपका जे में हम क्या करेंगे आज ही यानी कि थर्टी सितंबर को मतलब बच्चे थर्टी सितंबर को ही आपका 2022 में आपने क्या बोल दिया बाय यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ये बाय इंश्योरेंस कंपनी निकल के आ गया अमाउंट कितना हो गया सिक्स लैक्स रुपीज का आपका और ये अकाउंट क्लोज हो गया फिर हमने जगह छोड़ा था ना वहां पे आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट आप ओपन करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में क्या करेंगे बच्चे ये देखो आप यहां पे बाय इंश्योरेंस कंपनी तो यहां पे थर्टी एथ टू को हम क्या बोलेंगे टू जे अकाउंट टू जे अकाउंट और ये अमाउंट कितना हो गया सिक्स लैख रुपये का अमाउंट और फिर आपका कहता है कि कब पैसा मिल गया था वो इसमें देख लेते हैं ट्वेल्थ तो नवंबर को तो ट्वेल्थ नवंबर को हम इसमें क्या कर देंगे बाई बैंक अकाउंट बाई बैंक है ना पैसा मिल गया ना तो सिक्स लैख रुपए का अमाउंट और इसे अकाउंट से क्लोज हो गया बैंक अकाउंट बनाने के लिए कभी नहीं आएगा इसलिए क्योंकि बैंक में लाखों एंट्रीज होते हैं पूरे साल में तो उनका नहीं पूछेगा आपको इतने काम करने पड़ेंगे एग्जाम मेरे बच्चे एग्जाम में कह सकता है कि बनाओ आपका अच्छा हाँ अभी तो पूरी बात की नहीं अभी 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 चलने दो कहानी को अभी पूरी बात हो रही हुई है तो अब हमने क्या किया ये लिख लिया आप लोगों ने ये सर अब डायग्राम को देखो डायग्राम को अब क्या हुआ मेरे बच्चे यहां पे हमने प्रीमियम पे किया था पे किया था ना फिर हमने क्लेम एडमिट किया फिर मिल गया अब साल का एंड आ गया तो जो प्रीमियम पे किया था यानी कि एक्सपेंस जितने भी खर्चे होते हैं account, और ये, भी हो गया। ये मतलब होता है जेएलपी को एक्सपेंस ट्रीट करने का जेलपी को जब हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो जब भी प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम को हम एक्सपेंस मानते हुए प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं बस इतना सा मतलब निकल के आता है और जब मर जाएगा कोई पार्टनर तो उस केस में हम क्या करेंगे जी फिर फिर बुक में आएगा आएगा क्योंकि फिर तो गया है, है ना तो ये एसेट्स मानना है कि एक्सपेंस मानना है क्या मानना है ये तब तक जब तक जब कोई डेथ नहीं हुआ है है ना मैं इसमें नोट भी लिखाऊंगा ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए आप यहां तक कॉपी कर लो क्योंकि खत्म हो चुका है अब लिखेंगे आप इंपोर्टेंट नोट्स लिखेंगे आप इम्पोर्टेंट नोट है ना ये आपके लिए है फॉर रिवीजन रिवीजन के लिए जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए पहला पॉइंट क्या है जी लिखेंगे अच्छा ये कब हो रहा है जी इन केस ऑफ डेथ ये बातें ध्यान रखना अब हम एडमिशन डिपेंड की बात नहीं कर रहे हैं इन केस इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर अगर पार्टनर का डेथ हो गया तब ट्रीटमेंट क्या होगा उसके बारे में कहते हैं कि Uh, क्या था यहां लिखा था भूल गया चलो कोई नहीं लिखेंगे आप यहां पे कि आ, 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 लिखेंगे पहला नो यूज नो यूज ऑफ सरेंडर वैल्यू सरेंडर वैल्यू एट ऑल आप देख लो पूरे क्वेश्चन के अंदर में सरेंडर वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया था वन टू थ्री कोई यूज ही नहीं हुआ यूज होना भी नहीं था हमने जब प्रीमियम पे के एक्सपेंस मान लिया प्रीमियम एक्सपेंस मान लिया और जब उसका आपका डेथ हो गया तो पॉलिसी का फेस वैल्यू से काम होगा सरेंडर वैल्यू कोई यूज ही नहीं रहा बच्चे तो नो यूज ऑफ सरेंडर वैल्यू एट ऑल कुछ भी यूज नहीं हो पाएगा आपका कुछ भी यूज नहीं हो पाएगा

तो मैं आगे बढ़ूँ सर एक ही पॉइंट लिखाओगे कुछ बचता नहीं सब तो मैंने समझा दिया क्या बताओ बताओ जरा अब कुछ है इसमें प्रीमियम का हमने एंट्री कर दिया आपका हाँ अच्छा अब छोड़ो ना लिखना लिखने ये आपने लिख लिया काम खत्म हो गया मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ पता बच्चों एग्जाम में क्या होता है ना एग्जाम में देखा गया है कि आपसे वो एंट्रीज पता कौन सा पूछेगा आपसे कहता है कि भैया आपको जो एंट्री करना है ना ये जो क्वेश्चन हमने किया वो कहेगा मेक एंट्रीज ओनली ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर सुनो मेरी बात ध्यान से यहां तो तो सारी एंट्री किया ना ये क्वेश्चन अगर बन गया ना तो ये क्वेश्चन बनेगा कम से कम छह से लेकर दस नंबर तक का एग्जाम सेम क्वेश्चन आएगा उसको मर्जी कि वो छह नंबर में देगा कि आठ में कि दस में वो एंट्रीज पूछेगा कि लेजर पूछेगा उसकी मर्जी है लेकिन लेकिन अगर यही क्वेश्चन दो नंबर से चार के बीच में आया दो नंबर तो नहीं चार नंबर में पूछ सकता आपको चार नंबर में तो पता है फोर मार्क्स में क्या बोलेगा वो कहेगा मेक एंट्रीज ओनली एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर तो मेरे बच्चे ये तीन एंट्री आपको सिर्फ पास करना पड़ेगा मतलब डेथ का मतलब कि वो आपको जो प्रीमियम पे किया उसका कोई एंट्री नहीं वो बोलता है नहीं चाहिए हमें आप आपसे बता दो जी कि आपका डेथ के टाइम पे तो आपको जेल पी ये खुशी मनाने का दूसरा क्लेम एडमिट करने का और पैसा रिसीव करने का ये एंट्री पास करना होगा समझो मेरी बात ना एग्जाम में अगर चार नंबर का आएगा तो अगर वो छह आठ दस नंबर का तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा आइए ना अब मैं आपको बी में लेकर आता हूं जब जे को हम एसेट्स के रूप में ट्रीट करते तो क्या करेंगे लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे आपका केस नंबर बी है इसके अंदर में और बी में कहता है कि जे एल पी जे एल पी इज ट्रीटेड जे एल पी इज ट्रीटेड एज एन एसेट एज एन एसेट अगर हम जे को एक एसेट्स के रूप में ट्रीट करते तो फिर ट्रीटमेंट क्या निकल जाएगा मैं इस केस में क्या करूंगा बच्चे कि यहाँ पे पहले अकाउंट से दिखाऊंगा यहाँ पे जे एल अकाउंट खोलेगा यहाँ पे प्रीमियम अकाउंट नहीं खोलेगा क्योंकि जब से आपने प्रीमियम पे किया ना आप कहते हो कि वो मेरा एक एसेट्स है।, है ना हमने एक एसेट्स परचेज किया है जैसे हम मशीन होता ना कि हम लोग मशीन खरीदते हैं जी बट पेमेंट पार्ट पार्ट में करते हैं बिल्डिंग खरीदते हैं उसी तरीके से यहाँ पे मानेंगे कि हमने जो जे है ना हमने उसको एक एसेट्स के रूप में ट्रेड करना मतलब एक एसेट्स परचेज किया तो फिर क्या करेंगे ठीक है आइए जरा मैं आपको बताऊँ इसमें फ़र्क क्या निकल के आएगा ज़रा समझेंगे

एंड सरेंडर वैल्यू कहता है कि पॉलिसी ऑन डिफरेंट डेट्स आपका इतना इतना मेक एंट्री प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स तो मेरे बच्चे मैं अब आपको समझाता हूँ लेजर अकाउंट के थ्रू लेजर अकाउंट ये देखो आप आपने प्रीमियम को पे किया अब ध्यान से मेरी बात सुनना पिछले वाले केस को दिमाग से हटाओ प्रीमियम पे किया हमने कब जी इट्स ऑन फर्स्ट जुलाई 2020 मेरे बच्चे फर्स्ट जुलाई 2020 को आपने प्रीमियम पे किया तो जेएलपी टू बैंक अकाउंट हम लोग ये मानेंगे ध्यान सुना कि भैया हमने एक एसेट्स परचेज किया है और उस एसेट्स के लिए हमने कितना पे किया प्रीमियम कितना है 60, ये लीजिए मतलब यहां पे हम एक्सपेंस नहीं मान रहे हमने जब प्रीमियम पे किया तो हम मानते हैं कि जेल हमारा एक एसेट्स है हम लोग एक एसेट्स परचेज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू टाइम टाइम पे क्रिएट आपकी हो रही थी तो हमने सिक्सटी थाउजेंड का यहाँ पे एसेट्स मान लिया ठीक है ना अब सुनना जब साल का एंड आया इसका एंड कब आया तो 31 मार्च 2021 को हमने पूछा कि जिस एसेट्स को आपने 60,000 में परचेज किया जरा बताओ उस एसेट की यहां पे बाई बेल सीडी वैल्यू कितनी है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों जब एसेट्स को ट्रीट किया जाएगा तो आपको चेक करना होगा इस एसेट्स का सरेंडर वैल्यू मतलब आज यानी कि साल के एंड में अगर इस एसेट्स एसे को हम बेचते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा देखो ना क्या बता रहा ईयर वन पहले साल में कहता है कि नील ओहो हमने एक सिक्सटी थाउजेंड का एसेट परचेज किया लेकिन एंड में पता चला कि इसकी वैल्यू कितनी है जी नील है मेरे बच्चे नील जीरो वैल्यू है जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो मैं आपको बताऊंगा या पढ़ चुके होंगे मुझे नहीं पता पढ़ेंगे अभी आगे तो जेल ट्रीटमेंट बोलता है जी उसमें एक थ्योरी है कि एसेट्स को बुक में कौन-कौन से प्राइस पे दिखा सकते हैं पर बच्चे एसेट्स को बुक में हम कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं जितना हमने परचेज किया या फिर एक दूसरा ऑप्शन होता है एट रियलाइजेबल वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब कि उस एसेट्स को अगर आज मैं बेचूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा तो ध्यान रखना यहां पे जेएलपी को हमारा अकाउंट जो है वो कहता है कि शो करो एट रियलाइजेबल वैल्यू वहां पे मैंने एग्जाम्पल भी बताया जब आप देखेंगे आप उसको कोलेट करेंगे आप वहां पे कि एसेट्स uh, को वैल्यू करने के कौन कौन से तरीके हैं जी तो वहां पे एक बताता हूं, मैं बताऊंगा आप पढ़ेंगे पे पे कि कॉस्ट प्राइस एक है आपका मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रियलाइजेबल है एक करंट कॉस्ट है बहुत सारी बातें हैं तो so, यहां पर समझ लेना कि आपका इसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना है जीरो ओहो सिक्सटी में एक एसेट्स परचेज किया और उसकी वैल्यू जीरो हो गई तो हमें सिक्सटी थाउजेंड का पूरा का पूरा लॉस हो गया और आप जानते हैं कि जितने भी लॉसेज होते हैं मेरे बच्चे दे ऑल आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट लीजिए ये काम खत्म हो गया लिख देता तो हूं आपके लिए रिवीजन में हेल्प करेगा एग्जाम में लिखना है इट्स बैलेंसिंग फिगर मतलब जितना बच गया वो सारा का सारा लॉस हो गया सर ये तो सेम ट्रीटमेंट हो गया ना मेरे बच्चे सेम नहीं हुआ अब चेक करो एक्सपेंस में हमने उसकी सरेंडर वैल्यू चेक ही नहीं किया हमने जितना किया भैया एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करो बट पे हमें चेक करना पड़ रहा है आइए अगले साल में आते हैं अगले साल में जरा देखो थर्टी फर्स्ट मार्च टू तो अगला साल हो गया फर्स्ट फोर टू इस एसेट्स का जरा बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है इस साल के स्टार्टिंग में नील

इस एसेट्स की वैल्यू जीरो थी जी 60 का और हमने पेमेंट किया हमारा एसेट 60000 का हो गया लेकिन इस साल के एंड में यानी कि 31st मार्च 2022 को मुझे बताओ जरा कि इस एसेट्स की वैल्यू कितनी है जब हमने इंश्योरेंस कंपनी से पूछा कि यार सेकेंड ईयर के एंड में आप मुझे बताओ कितना पैसा देने को तैयार हो कहता है कि 80000 अरे देखो ना सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में एट्टी थाउजेंड दिया हुआ मेरे बच्चे <laughs> या, यानि कि सॉरी सेकेंड ईयर में <laughs> सॉरी कितना दिया भाई? <laughs> ये तो काफी हो रहा फोर्टी थाउजेंड तो सेकेंड ईयर में ही कहता है कि आपका यहां पे क्या फोर्टी थाउजेंड का अमाउंट आपका है मतलब कि वैल्यू इसकी पहले से जीरो थी सिक्सटी थाउजेंड हमने और पे किया तो अब हमारा एसेट्स टोटल कितने का हो गया सिक्सटी थाउजेंड का लेकिन ये सिक्सटी थाउजेंड का जो हमने अभी वैल्यू दिखाया इतना रहा नहीं मेरे बच्चे वैल्यू तो सिर्फ चालीस अगर बेचूंगा तो सिर्फ फोर्टी मिलेगा तो बाकी ट्वेंटी थाउजेंड हम कहां चार्ज करेंगे एक्सपेंस के रूप में थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यही तो होता है एसेट्स के ऊपर में कि एसेट्स की वैल्यू गिर गई तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्ट कर देते हैं बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे खत्म होगी ट्वेंटी थाउजेंड का अमाउंट आपका कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर अगले साल में आ जाओ अगले साल यानी कि अब आ गया 1st 4 2022 एंड अब इस एसेट्स का 2 वेल्स बीडी कितना हो चुका है जी 40 मतलब 40 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा बच्चे अब इसके बाद आपका आ गया यहाँ पे कौन सा दिन जी तो 1st uh, 7 2022 अगले साल का प्रीमियम पे किया और इस पर हमने कितना पे किया टू बैंक अकाउंट इस आपका 60000 का अमाउंट अगेन 60000 अब चेक करो कि ये ये थर्ड ईयर हो गया ना ये सर मरा कब था अरे उसका डेथ कब हुआ था आई थिंक थर्ड ईयर में वो, वो तो पिछला पेज था मैं एक काम करूं क्या बैग लेता हूं और इसको इधर डायग्राम वहां दोबारा बना सकता था मैं कोई दिक्कत नहीं थी बट एनी ये देखो आप आ, पहले साल का काम आप कर चुके हो पहला साल खत्म हो चुका है जी दूसरा साल भी खत्म हो गया तीसरे साल में हमने प्रीमियम पे किया ठीक है और फिर क्या हुआ जी 30 सितंबर को ही वो मर गया मेरे बच्चे थर्टीन सितंबर 2022 को मर गया तो अब हम क्या करेंगे ये देखो आप जब वो मर गया तो हमें अब यहाँ पे क्या करना होगा मैं एक काम करूँ क्या पहले यहां तक एंट्री बता दू थोड़ी क्लियरिटी और आ जाएगी एंट्री लीजिए आप यहाँ पे इसी के नीचे अभी थोड़ा सा और जगह छोड़ देना इसके नीचे में और यहां पे लिखो जनरल एंट्री है ना मैं चाहता हूँ बस क्लियरटी आ जाए एग्जाम में जो बोलेगा आप उसको कर सकते हैं पहला एंट्री क्या हुआ फर्स्ट 7 2020 को आपने क्या बोला जी जेएलपी अकाउंट डेबिटेड डेबिटेड टू आपका बैंक अकाउंट है ना यहाँ पे प्रीमियम नहीं है हम जेएलपी मानतू उसको स्टार्टिंग से कितना 60000 60000 पहले साल में कोई वैल्यू है नहीं तो आपका 31st मार्च 2021 को हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड एंड टू जेएलपी जेएलपी में जो वैल्यू गिरा वो हमने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया पूरे सिक्सटी यानी किया दोबारा हमने प्रीमियम पे किया मतलब क्रिएट हुआ जेएल टू बैंक अकाउंट इस बार हमने कितना पे किया जी वी हैव पेड 60,000 का अमाउंट 60,000 मेरे बच्चे फिर हमने क्या करना ये देखो इसमें से 40 वैल्यू रह गई थाउजेंड कहां जाएगा प्रॉफिट लॉस में तो आपका थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को इस बार प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू आपका जे एल पी अकाउंट ये कितने से एंट्री हो गया आपका ट्वेंटी थाउजेंड से तो बीस हजार रुपये का अमाउंट हमने खत्म किया अब हम आगे तीसरे साल में यानी कि आपका फर्स्ट सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हमने प्रीमियम फिर से प्रीमियम तो कोई भी मेथड हो प्रीमियम तो उतना ही पे करेंगे जी जे एल पी टू बैंक सिक्सटी थाउजेंड का अमाउंट आपका ये सिक्सटी थाउजेंड एंड सिक्सटी थाउजेंड ठीक है ना अब मेरी बात ध्यान सुनना <coughs> 40 एंड 60 कितना हो गया 1 लाख अमाउंट है ना मेरे बच्चे साल का एंड आता साल का एंड उसके पहले ही कहता है कि 30th सितंबर को 2022 में राम मर गया राम डाइड हो गया राम मर गया बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना अरे राम का अगर यहां पे डेथ हो गया ना 30 सितंबर 2022 को मेरे बच्चे तो देखो उसके पहले उसके डेथ के पहले अभी आपका एसेट्स कितने का दिख रहा है वन लाख रुपीज फोर्टी प्लस सिक्सटी कितना वन लाख। वन लाख का एसेट्स आपका दिख रहा था लेकिन आज मरने के बाद ना वो एसेट्स वन लाख का अचानक कितने का हो गया अब आप आपका सिक्स लाख रुपीज का क्योंकि जेएलपी का क्लेम अब यहां पे सिक्स लैख रुपीज का किया जाएगा समझो मेरी बात ना यहाँ पे मेरे बच्चे जो वन लाख रुपए पहले से वैल्यू था 60 और रुपए किया तो वन लाख की वैल्यू होगी अब लाख की वैल्यू कितना बन गया? 6 बन गया गया तो फाइव रुपीज हमें क्या करना होगा इस जेएलपी में और ऐड करना पड़ेगा कब मरा था वो थर्टी सेप्टेंबर को थर्टी सितंबर 2022 को हमें फाइव लैख ऐड करना है और किसके नाम से वो पार्टनर्स के नाम से क्या पार्टनर का नाम है जी आपका टू राजा कैपिटल अकाउंट राजा कैपिटल टू राम कैपिटल राम कैपिटल एंड टू रंजन कैपिटल सर फाइव लैक्स ही क्यों सिक्स लैक्स होना चाहिए ना मेरे बच्चे सिक्स लैक्स ही हो रहा है मैं अभी बताऊंगा कैसे प्रूव करूंगा बट फिलहाल हमें सिक्स लैक्स की वैल्यू हो गई ना तो वन लैख तो ऑलरेडी वैल्यू दिख रहा है फाइव लैक्स ओ बढ़ा दो तो फाइव लैक्स किस रेशो में रेशियो इक्वली है ना तो फाइव लैक्स इक्वली आई थिंक वन सिक्स 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 सेवन हो जाएगा फाइव लैक्स डिवाइड बाई थ्री यस वन सिक्स 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 वन सिक्स एंड वन सिक्स पांच लाख है सॉरी ये बहुत ज्यादा जोश में आ गए ये सिक्स नहीं होगा फिर कितना होगा वन अरे यार फाइव लैक्स की वैल्यू डि थ्री वन सिक्स 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 और इसका कितना हो जाएगा फिर राउंडिंग अप करें तो ये हो गया इंटू टू और ये सेवन हो जाएगा है ना नहीं दो को सेवन करना होगा हमें कोई बात नहीं कोई बात नहीं राउंडिंग अपने कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी कर सकते हैं ये ये भी सेवन कर दो तब हो जाएगा है ना झगड़ा नहीं करना एक रुपये में कि एक रुपये में क्या होगा ये काम ख़त्म हो गया तो अब हमारे पास क्या हो गया जी <laughs> ये देखो टोटल वैल्यू कितना आ गया सिक्स लैक्स रुपये का अमाउंट अब हम आज ही इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे तो थर्टी सितंबर 2022 मेरे बच्चे यहां पे बाय इंश्योरेंस कंपनी ये जरा बताओ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना किया जाएगा पूरे सिक्स लाख छ लाख रुपए तो है ना छ लाख ,00 कुछ भी करो आप आप ट्रीटमेंट कैसे भी करो क्लेम तो सिक्स लैक्स ,00 का होगा तो सिक्स लैक्स ,00 का एंट्री यहां पे हम करेंगे और आप यहां पे फिर क्या करेंगे विल ओपन इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट है ना कंपनी अकाउंट और फिर आपने क्या करना बचे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में आपको थर्टी सितंबर 2022 को आपने कहा टू जे एल पी अकाउंट कितना सिक्स लैक्स ,00 की एंट्री और जब पैसा मिल गया यानी कि ट्वेल्थ नवंबर को आ, 2022 को आप क्या बोल देंगे बाई बैंक बाई बैंक अकाउंट सिक्स लाख रुपये का अमाउंट आपका और ये काम खत्म हो गया जल्दी करो ताकि मैं प्रूफ कर दूं कि आखिर अल्टीमेटली सेम इंपैक्ट हो रहा है आपको झगड़ा नहीं होगा आप इसको ख़त्म कीजिए जल्दी से ताकि मैं आगे की बातें आपको प्रूफ करूँ जल्दी से कॉपी करो बच्चे कॉपी करो आप इसको और आप कॉपी कर लो और मुझे भूख लगी है तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं थोड़ा खाना खा लूँ बहुत लंबी क्लास चल गई अभी अभी, अभी अभी और बातें रिकॉर्ड करनी है उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो आप लिखो कॉपी करो मैं खाना खा के आता हूँ एक सेकंड में गया एक सेकंड में आया हेलो आई एम मानसी आई एम सी सीए फाउंडेशनो स्टूडेंट दामिनी सी एंटरविथ सीओ सी मैंने क्लास इलेवेंथ में लोकल ट्यूशन क्लासेस पुअर थे मैंने एक दिन यूट्यूब पे संतोष सर का वीडियो देखा था जो की मुझे काफी अच्छा लगा जब so, मैंने डिसाइड किया कि मुझे से करना है पूरे <laughs> uh, सिलेबस को कवर करते हैं मम्मी सीओ सी एजुकेशन इज द वन स्टेप सोल्यूशन

पहले डाउट जो आपका पॉइंट था उसके पहले ना मैं कुछ यहां पे पहले नोट लिखा दो लिखो जरा यहां पे इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे आप मेरे साथ यहां पे इंपोर्टेंट नोट फॉर रिविजन रिविजन के लिए आपको मैं यहां पे एक नोट देता हूं वो क्या है पॉइंट नंबर वन कहता है कि वेन जे एल पी लिखेंगे आप जे एल पी इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड एज एन एसेड जब हम इसको एसिड के रूप में ट्रिक करते हैं तो जे एल पी अपीयर्स अपियर्स इन द बैलेंस शीट इन द बैलेंस शीट बैलेंस शीट एट इट्स एट इट्स सरेंडर वैल्यू एट इट्स सरेंडर वैल्यू अगर यहां पर कहता है कि भैया जब एसेट्स रूप में ट्रीट होगा तो आप देखो जरा हमेशा क्या किया हमने उसके सरेंडर वैल्यू पे दिखाया मतलब जब तक जेएलपी अकाउंट हमने बनाया हमने क्या किया जी उसको उसके सरेंडर वैल्यू पे बचे यहाँ पे मेंटेन किया यही काम किया ना हमने तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि एक दिमाग में कन्फ्यूजन है कि सर यहाँ पे आपने क्या किया जी पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ फाइव लैक्स रुपीज का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन जब आपने एक्सपेंस का ट्रीटमेंट किया था एज एक्सपेंस तो उस टाइम पे उस टाइम पे आपने यहां पे जो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो सर सिक्स लैक्स रुपीज का अमाउंट था सर क्यों आखिर ट्रीटमेंट कोई भी हो कोई भी हो आखिर पार्टनर्स को तो छह लाख रुपए मिलने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना चाहे आप एक्सपेंस के रूप में ट्रीटमेंट कर रहे हो चाहे वो एसेड के रूप में ट्रीटमेंट कर रहे हो अल्टीमेट इंपैक्ट सेम निकल के आ रहा है यानी कि पार्टनर्स के अकाउंट में सिक्स लाख रुपीज ही ऐड हो रहे हैं मैं आपको प्रूफ कर देता हूं अभी देखो कर दूंगा यहां देखो आप सुनना मेरी बात मुझे ही बताओ इस वाले केस में आपने पहले साल में सिक्सटी थाउजेंड का प्रीमियम पे किया और पूरा का पूरा कहां ट्रांसफर किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यानी कि फर्स्ट ईयर का जब आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा तो यहां पर एक्सपेंस जेएलपी प्रीमियम जो आपने एक्सपेंस लिखा होगा सिक्सटी लिखा होगा इससे हमारा प्रॉफिट जो है बच्चे मान लो हमारा यहाँ पे सेल्स सपोज दैट सेवन लैक्स रुपीज का अमाउंट है है ना तो सिक्सटी गया तो कितना बच गया आपका सिक्स लैखी था छह लाख प्रॉफिट का ये प्रॉफिट और यही प्रॉफिट क्या होगा जी पार्टनर प्रॉफिट लॉस एप्रोपरेशन अकाउंट जब हमने बनाया होगा तो सिक्स फोर्टी को हमने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा इसमें कोई डाउट नहीं सर अगले साल फिर से आपने क्या किया अगले साल फिर से सिक्सटी आपने एक्सपेंस दिखाया तो अगले साल भी यही कहानी हुई होगी ठीक है अब मेरी बात सुनना यानी कि हम लोगों ने क्या किया है सिक्सटी सिक्सटी ये जो आपने एक्सपेंस दिखाया जितना ज्यादा एक्सपेंस दिखा रहे हो मेरे बच्चे उससे प्रॉफिट कम हो रहा है और पार्टनर्स को उतना कम मिल रहा है अगर मैं यहां पे एसेट्स के रूप में आऊं यहां पे एसेट्स के रूप में तो पता हम लोगों ने क्या किया ये देखो आप एसेट्स के रूप में आपने पहले साल में तो वही दिखाया यहां तो कोई झगड़ा नहीं है सिक्सटी यहां पे सिक्सटी वहां पे सेकंड में चे करना सेकेंड ईयर में आपने सिक्सटी थाउजेंड पे किया था लेकिन आपने एक्सपेंस कितना दिखाया सिर्फ ट्वेंटी थाउजेंड जरा सोचो सेकेंड ईयर में जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना होगा मान लो सेल्स आपका सेवन लैक्स है और एक्सपेंस आपने ट्वेंटी दिखाया तो मेरे बच्चे अब प्रॉफिट सिक्स लैख एटी थाउजेंड यहां पर निकल के आ गया समझो मेरी बात पिछले वाले मेथड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर सेल्स हमारा है तो एक्सपेंस आपने 60 दिखाया था यानी कि प्रॉफिट वहां पे पे आया था 6, 40, और यहां प्रॉफिट आ रहा सिक्स एटी तो इस केस में जब हम उसको एसेट्स के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो हमने इस साल का जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रेशन अकाउंट बनाया होगा तो ये सिक्स लैख एटी थाउजेंड पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है यानी कि जब हम एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं तो जे का कोई भी नाम मतलब हम वहां पे में नहीं कर रहे हैं लेकिन जब आप उसको एसेट्स में ट्रीट कर रहे हो मेरे बच्चे तो देखो यहां पे, क्या जी? हमारा यहां पे बढ़ जा रहा है और पार्टनर्स कैपिटल में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा क्योंकि जितना प्रॉफिट हमारा बचता है हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाते हैं उतना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यही काम होता है ना ये सर तो इसका मतलब है कि ये जितना आपका ओपनिंग बैलेंस है जितना ओपनिंग बैलेंस है और जितना इस बार का आपने प्रीमियम पे किया मेरे बच्चे इसको अगर हम प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस ग्रुप में नहीं दिखाए तो इतना अमाउंट ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा पिछले साल तक वो अमाउंट ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे मेरे बच्चे क्योंकि इतना अमाउंट हमने अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस ग्रुप में नहीं दिखाया तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होगा और प्रॉफिट वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा यानी कि अगर आप एसेट्स के रूप में ट्रीट कर रहे हो तो ये वन लैक का जो अमाउंट है ना ये ऑलरेडी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्रॉफिट के रूप में आपका तो वन लैख पार्टनर कैपिटल में जा चुका तो फाइव लैख और ट्रांसफर कर देंगे अल्टीमेटली पार्टनर्स को कितना मिला सिक्स लैक्स मतलब मीनिंग दोनों में सेम है इसमें कोई दिक्कत निकल के नहीं आनी चाहिए तो मैंने आपको प्रूफ किया कि वी आर गेटिंग द सेम थिंग बोथ द मेथड चाहे वो है चाहे यहां पे कोई डाउट आपको नहीं सर तो प्लीज आप इसको कॉपी कर ही चुके होंगे ये आपने लिख लिया आपने देखा था कि जब एक्सपेंस के रूप में ट्रीटमेंट करते हैं तो जेएलपी के सिलेंडर वैल्यू का कोई यूज नहीं होता लेकिन जब एसेट्स के रूप में आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जेएलपी के सिलेंडर वैल्यू का यूज होता है और उसी पर हम उसको एसेट्स के रूप में दिखाते हैं ध्यान से दिमाग शांत देखो आपका दिमाग इसके लिए कैसे तैयार रहे फोर्टी जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है जेएलपी का इतना अमाउंट हमने कम एक्सपेंस के रूप में दिखाया होगा प्रॉफिट में और अगर कम दिखाया होगा तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया होगा और प्रॉफिट बढ़ गया तो उतना बढ़ा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो मेरे बच्चे पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इस साल जो हमने सिक्सटी थाउजेंड का प्रीमियम पे किया ये सिक्सटी थाउजेंड भी हम इस साल के प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाएंगे

मैंने किया था शायद एक बार चेक कर लूँ क्या यहाँ पे फर्स्ट सेवन टू थाउजेंड अच्छा ये एंट्री अभी नहीं किया है तो कर लेते हैं ना क्या जाता है आप लिख लो यहाँ पे यहाँ पे लिख लो यहाँ पे इसको मिटा दूँ मैं इसके बाद की एंट्री क्या निकल के आएगी जी तो आपका फर्स्ट सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी का पेमेंट किया फिर आपका थर्टी सितंबर ये आपका थर्टी सितंबर को थर्टी सितंबर कौन सा है आपका 2022 आप यहां पे एंट्री करेंगे तो आपका जे अकाउंट डेबिटेड अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स में राजा कैपिटल राजा कैपिटल फिर आपका जी यहां पे टू राम कैपिटल टू राम कैपिटल और तीसरा मेरे बच्चे टू रंजन कैपिटल तो हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपका फाइव लैक्स ,00 का अमाउंट फाइव लैक्स ,00 का अमाउंट जो हमने प्रीमियम पे किया हम उसको आगे एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा वो काम का खत्म हो गया तो थर्टी सेप्टेंबर को हमने ये भी एंट्री आपकी कंप्लीट कर ली कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर बच्चे अब आगे सुनना आगे सुनना फिर हम लोग क्या करेंगे आज यानी कि थर्टी सेप्टेंबर टू 2022 को इंश्योरेंस कंपनी को हम पैसा मांगेंगे तो पैसा तो हमेशा हम JLP का जेल पी ,00 ही मांगेंगे चाहे कोई भी भी ट्रीटमेंट हो कैसे भी करें। और जो पैसा आपको मिलेगा ट्वेल्थ नवंबर को वो क्या जी पूरा पैसा यानी कि आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आपका इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ये सिक्स लैक्स रुपीज एंड सिक्स लैक्स रुपीज ये हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया कोई डाउट नहीं सर तो ये भी काम खत्म कर दिया है ना तो ये हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है मेरे क्योंकि में दिखाने का मतलब बनता ही नहीं है नाउ एग्जाम में आपसे हो सकता है मतलब आपसे तो आप एंट्री कर लेना ये वाली एंट्री पूछ देगा आपको ज्यादा से ज्यादा तो हम एंट्री कर लेंगे जी कोई दिक्कत हो रही है चिंता ना करो एक अलग से क्वेश्चन करा भी दूंगा उस पर आप जरा आ जाइए थर्टी फाइव का नंबर सी सी अब आपका अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो मैं आपका सी यानी कि तीसरा मेथड आपका केस लिखेंगे सी when when जे एल पी इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड एज एन एज एन एसेट एज एन एसेट एंड रिजर्व अकाउंट इज reserve रिजर्व रिजर्व अकाउंट इज मेंटेन्ड अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ ठीक है ना मेरे बच्चे इसको भी मैं चाहूँगा कि पहले हम लोग ना आपका अकाउंट से समझे ज्यादा क्लियरिटी आएगी तो मैं यहाँ पर ना आपको एक तो बनाऊँगा जे अकाउंट है ना जे अकाउंट जे एल पी अकाउंट ये हमने एक अकाउंट ओपन किया आपके लिए दैट इज कॉल्ड जे एल पी अकाउंट ये हमने आप रजिस्टर का आधा पेज इसके ले लीजिए आप हाफ पेज और बाकी के रजिस्टर के हाथ पेज पे अब साथ ही साथ ओपन करेंगे जे रिजर्व अकाउंट सर ये क्या है जरा समझा दो सब समझा दूंगा आप चिंता ना करो ना आप अगर लिखो तो मेरे साथ एक हमारा खुल गया जे अकाउंट और एक हमारा जे रिजर्व अकाउंट ये हमने यहाँ पे ओपन किया ना <coughs> मैं वो डेट तो मुझे ऑलरेडी याद है मैं फटाफट क्या करूंगा स्टार्ट करूंगा मेरे बच्चे फर्स्ट जुलाई 2020 को आपने पे किया था तो फर्स्ट जुलाई 2020 को आपने बोला टू बैंक मुझे बताइए आपने कितना पेमेंट किया था प्रीमियम कितना था 60, पहले साल के एंड में आपका first seven, 2020 को आपने बोला buy balance CD, कितना जी नील सरेंडर वैल्यू आपका नील है तो हमने क्या किया आपका यहां पे ये को year ending है ना थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को और फिर मेरे बच्चे हम लोगों ने क्या किया आज ही साल के एंड में थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को सारा का सारा अमाउंट हमने कहाँ चार्ज कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सिक्सटी थाउजेंड क्लोज है ना अब शॉर्ट में फटाफट -फट काम कर रहा हूं आज और इमेजिनेशन में <laughs> पहले साल में क्या हुआ होगा जी जो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा मेरे बच्चे तो जितना भी हमारा सेल्स यानी कि इनकम रहा होगा सारा सारा का एक्सपेंस एक्सपेंस जो प्रीमियम हमने हमने पे किया उसको में हमने दिखा दिया तो इससे क्या हुआ जी कि आपका जो बचा हुआ प्रॉफिट है वही पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ पहले साल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है चाहे एसेट्स हो चाहे एक्सपेंस हो चाहे भी मैथड हो तो पहले साल में एक्चुअली यहां पे कोई यूज नहीं होता तो मैं इसको ऐसे ही क्लोज कर देता हूं क्यों अभी क्लियर हो जाएगा आपका आप बस इतना समझना यहां पे क्या हो रहा है कि पहले साल में हमने जितना भी एक्सपेंस किया कोई कोई एसेट्स तो बना नहीं तो जब एसेट्स नहीं बना तो सारा का सारा हमने एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में करके काम खत्म किया और टेंशन खत्म है ना ना वी कम टू द सेकेंड ईयर मेरे बच्चे यहां पे फर्स्ट फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन यहाँ लिखा आपने टू बैलेंस बी टू बैलेंस बी डी और अमाउंट कितना पहले से आपका नील अमाउंट ठीक है ना अब हमने क्या किया यहाँ पे यानी कि फर्स्ट सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को हमने प्रीमियम पे किया यानी कि टू बैंक अकाउंट जरा बताओ इस पर हमने कितना पे किया अगेन थाउजेंड सुनना ध्यान से मेरी बात को सिक्सटी थाउजेंड में इस बार थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को हम लोगों ने कहा कि भैया इसकी वैल्यू कितनी रह गई आपकी ट्वेंटी थाउजेंड सॉरी कितना था फोर्टी थाउजेंड सरेंडर वैल्यू हमारा तो इसकी वैल्यू हमारे कितनी रह गई जी फोर्टी थाउजेंड यानी कि हम लोगों ने थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को आपने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट से कितना एडजस्ट किया ट्वेंटी थाउजेंड है ना और ये काम खत्म हो गया आपका एंड ऑफ सेकेंड ईयर बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना पर बच्चे ये था. सेकेंड ईयर में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस में क्या किया तो हमने पेमेंट तो सिक्सटी किया लेकिन सिक्सटी के जगह पे जो प्रीमियम है सिर्फ ट्वेंटी थाउजेंड एक्सपेंस दिखाया कम एक्सपेंस दिखाया जब हमने कम एक्सपेंस दिखाया तो प्रॉफिट जो हमारा है ना बच्चे वो ज्यादा दिख रहा है कितने से ज्यादा दिख रहा 40 से. क्योंकि ये 40 वो है में करेंगे। तो मेरे बच्चे इससे क्या हुआ इससे क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रेशन अकाउंट में जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो फोर्टी ज्यादा प्रॉफिट है जितना भी प्रॉफिट होना चाहिए था एक्सपेंस के मुकाबले फोर्टी थाउजेंड ज्यादा प्रॉफिट है अब ये जो फोर्टी थाउजेंड ज्यादा है वो हम क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑटोमेटिकली हो जाएगा जाएगा ना बच्चे पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। लेकिन जब हम रिजर्व को मेंटेन करते हैं ना रिजर्व को तो पता क्या करेंगे इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय हम यहां लिख देंगे जेएलपी रिजर्व अकाउंट कितना कितना कम खर्चा आपने दिखाया यहाँ पे कितना खर्चा कम दिखाया फोर्टी थाउजेंड अरे सिक्सटी थाउजेंड का पेमेंट किया था ट्वेंटी थाउजेंड आपने एक्सपेंस दिखाया तो फोर्टी थाउजेंड कम एक्सपेंस दिखाया वो फोर्टी थाउजेंड से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय हमने क्या किया जेल रिजर्व अकाउंट ओपन कर दिया और उसमें हमने क्या किया फोर्टी का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया इससे क्या होगा ये फोर्टी पार्टनर्स कैपिटल में अभी नहीं हुआ। जब हम वाला कर रहे थे तो तो जितने से प्रॉफिट बढ़ाया ना खर्चे कम दिखाने के चलते हम उतने से क्या करेंगे जेल पी रिजर्व ओपन कर देंगे तो इससे क्या होगा मेरे बच्चे सेकेंड ईयर में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू जेल पी रिजर्व में क्या बोलेंगे हम यहां पे आपका सेकेंड ईयर में यानी कि थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 को आप बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपरेशन अकाउंट याद रखना रिजर्व में ट्रांसफरिंग हो रहा है रिजर्व में ट्रांसफरिंग कहां से होता है एक अप्रोपरेशन अकाउंट से कितना 40,000 का अमाउंट आपका 40,000 तो इससे क्या हो जाएगा कि 31 मार्च आपका ये 20 कौन क्वार्टर 22 है ना ठीक है 31 मार्च 2022 को क्योंकि आज ही ट्रांसफर किया इसका बैलेंस हमारे पास टू बैलेंस सीडी कितना रह जाएगा 40000 का अमाउंट आपका 40000 और ये भी अकाउंट्स आपका क्लोज्ड हो गया ये भी क्लोज्ड हो गया तो जेएलपी रिजर्व को मेंटेन करने का सिर्फ इतना मतलब है कि खर्चे जितने कम दिखाए गए हैं प्रॉफिट लॉस में इससे प्रॉफिट जो बढ़ गया है उतना पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय रिजर्व के नाम पे पैसा ट्रांसफर होगा हो ये हमेशा होगा ये भगवान भी अगर आके बोले कि क्या जेएलपी और जेएलपी रिजर्व अलग हो सकते नहीं हो सकते हमेशा सेम रहेंगे पता है एक साल और अकाउंटिंग करूंगा ये मानते हुए कि अभी किसी का डेथ नहीं हुआ इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझाने के लिए बस और कोई रीजन नहीं है तो आप बेशक मैं चाहूंगा ना कि इसके आगे जो मैं लिखूंगा उसको आप मत लिखना इसके आगे जो मैं लिखूंगा नहीं लिखना बस समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं ये हमारा थर्ड ईयर में आ गया याद रखना थर्ड ईयर की एक्चुअल अकाउंटिंग जो बुक में है, वो नहीं कर रहा बस मैं एक

अब प्लीज मत करना मैं मैं कर रहा हूँ सिर्फ ना अब हमने क्या किया फर्स्ट सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को टू बैंक हमने फिर से यहाँ पे क्या किया प्रीमियम पे किया कितना पे किया जी आपका सिक्सटी थाउजेंड का अमाउंट आपका अगर इस साल डेथ ना होता तो मुझे बताओ कि थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को अब हमारा बाइब बैलेंस सी डी कितना निकल के आएगा जी इस जे एल पी का देखो तीसरे साल के एंड में सरेंडरी वैल्यू कहता है कि नाइन्टी थाउजेंड है तो मेरे बच्चे नाइन्टी थाउजेंड यहाँ पे निकलता नाइन्टी तो इसका मतलब कि हम लोग यहां पे आपका थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी को करते करना नहीं इस क्वेश्चन में बाय प्रॉफिट लो खर्च कितना दिखाते हैं वन लैक्स माइनस नाइनटी यानी कि टेन थाउजेंड का अमाउंट आपका ये आपका खर्च दिखता बैलेंसिंग फिगर तो तीसरे साल में हम लोग क्या करते हैं ये देखो आप कि हमें जो जेएलपी रिजर्व में फोर्टी है ना अब हमें कितना रखना है नाइनटी जितने पे जे होगा उतने पे रिजर्व होगा हमेशा मेरे बच्चे याद रखना इस बात को तो हम लोग क्या करेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को यहां और हमें यहां पे नाइनटी माइनस फोर्टी यानी कि फिफ्टी का अमाउंट हम लोग क्या करते हैं बाई प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रेशन अकाउंट से यहां पर हम चार्ज कर लेते हैं अगर समझना तो इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं ये देखो आप जिला बताओ तीसरे साल में हमने कितना पेमेंट किया सिक्सटी थाउजेंड लेकिन सिक्सटी में हमने एक्सपेंस कितना दिखाया टेन थाउजेंड कितना कम दिखाया फिफ्टी यानी कि तीसरे साल का जो आपका प्रॉफिट वो फिफ्टी से बढ़ा हुआ है अगर मैं जेएलपी रिजर्व क्रिएट नहीं करूंगा तो 50 पार्टनर्स कैपिटल में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हम वही 50 से क्या करते हैं जेएलपी रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं वही काम किया मतलब अगर ऐसे समझे तो भैया 40 पहले से इस साल हमने क्या किया जी 50 और डाल दिया तो 90 आपका बन गया दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द ऑफ दिस जेएल रिजर्व अकाउंट है ना बच्चे तो आपको जैसे समझना वैसे समझ लो या तो ऐसे कि भैया हमने क्या बोला कि इस पर प्रीमियम पे किया सिक्स टेन हमने खर्च दिखाया फिफ्टी प्रॉफिट बढ़ा हुआ है 50 हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से निकालेंगे ये 90 हो जाएगा ये पक्का है कि जितना इसका बैलेंस होगा और जो आपका एसेट्स का बैलेंस होगा जेल्पी का वो दोनों सेम रहेगा ये कन्फर्मड है क्योंकि उतना ही अमाउंट हमने अभी तक पार्टनर्स में माफ कीजिए एक्सपेंस नहीं दिखाया है तो प्रॉफिट उतने से बढ़ा हुआ है उतने सम रिजर्व करके कर कर रखेंगे आपका ये काम करते मेरे बच्चे यानी ये काम करते लेकिन क्योंकि अभी इसमें ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में तीसरे साल में डेथ हो गया तो अब ना मैं अब आ रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन जहाँ से हमें शुरू करना था आप चाहो तो इसको कॉपी कर लेना ये कहाँ चला गया बहुत कुछ मैंने कर दिया मुझे इसको मिटाना पड़ेगा एक्चुअली तो चलो स्टार्ट करता हूँ ये तीसरे साल की जो एंट्री थी जहाँ से मना किया था मैं उसको सिर्फ हटा रहा हूँ है ना ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ रखा हुआ है आप इस बात को जानते हैं ये लीजिए और तीसरे साल की पूरी एंट्री में हटाता हूँ जब तक चीजें नहीं समझ में आएगी ना कि एक्चुअली करके आ रहे तो, तो दिक्कत होगा ये मैं टॉपिक आपको दो चार मिनट में खत्म करा देता जेल पी के बारे में लेकिन जन्म जन्म तक आप परेशान रहते हैं इसके अंदर में कि क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा वही बात हम लेके चल रहे मेरे बच्चे अब आओ ना मैं शुरू करता हूँ सुनेंगे ध्यान से तो अब हम क्या करेंगे जी अब हम आ रहे क्वेश्चन के अंदर में तीसरे साल में हमने क्या किया जेल आपका फोर्टी ठीक है अब ध्यान देना हमने तीसरे साल में लिखेंगे मेरे साथ फर्स्ट सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को हमने पे किया तो टू बैंक अकाउंट है ना यहां पे तो प्रीमियम पे कर दिया है ना सिक्सटी थाउजेंड का अमाउंट हमने पे कर दिया ठीक है ये सिक्सटी थाउजेंड आपका पे हो गया अब मेरे बच्चे वो मर गया तो मरने पर क्या करेंगे क्योंकि अब हमें सेटलमेंट करना है तो मरने पर क्या करना ध्यान देना कि आप पहले एक तो ये जो आपका जे रिजर्व है ना ये फोर्टी थाउजेंड ये अभी तक पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि ये पैसा पार्टनर्स कैपिटल में चला जाए तो मैं क्या करूंगा जब वो मर गया यानी कि फर्स्ट सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को ये रिजर्व पार्टनर्स में चला जाएगा टू राजा टू राम एंड टू रंजन है ना रेशियो आपका इक्वली है तो थर्टीन थ्री 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 थर्टीन थ्री 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 एंड थर्टीन थ्री थ्री फोर और ये करके अकाउंट्स क्लोज हो गया है ना वो फोर्टी का चक्कर खत्म हो गया ना अब यहाँ देखेंगे फोर्टी और सिक्सटी वन लैख है हम लोग क्या करेंगे जी यहाँ पे मरने के बाद कितना टोटली हम सिक्स लैख्स रुपीज होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे उसके मरने पे यानी कि कब uh, कब मरा था वो नवंबर सॉरी uh, ये ये फर्स्ट सेवन नहीं है मरा कब था वो बदमाश ट्वेल्थ थर्टीथ सितंबर को तो थर्टीन सितंबर को ये एंट्री किया गया था टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का अंदर आपका ठीक है ना अभी यहाँ पे आएंगे हम लोग क्या करना है जी वो खत्म हो गया यहाँ पे 40 ये तो 1 लक यहाँ पे दिख रहा है तो हम क्या करेंगे 5 लक रुपीज और यहाँ पे लेकर आएंगे क्योंकि हमें टोटल 6 लक्स बनाना है मेरे बच्चे तो आपका 30 सितंबर को आपने 2 राजा 2 राम एंड 2 रंजन ये आपका कितना 166666 एन वन सिक्स 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 सेवन ये हमने काम खत्म किया इसके बाद हम क्या करेंगे तो आपका बाय इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल बाकी बात सेम रहेंगी सिक्स लैक्स ,00 रुपी से आपको अगर कहता है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट बना दो तो आप ये बना रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे यहाँ पे टू जे एल पी जे एल पी कितना सिक्स लैक्स ,00 और बाय बैंक आपका बाई बैंक कितना सिक्स ,00 लैक्स का अमाउंट ये ख़त्म होगी बात है ना खत्म होगी मैं अभी आपको समझाऊंगा इसको भी दोबारा आप पहले लिख लो आप यहां पे तो ये अल्टीमेटली सिर्फ ये बात समझना बाकी तो सब सेम ही है सुनो क्या हुआ इसका मतलब समझो यहां देखेंगे आप देखो हमने क्या किया अभी जब जेएलपी क्रिएट हो गया ना जेल रिजर्व तो पार्टनर्स कैपिटल में अभी तक कोई अमाउंट पहले से डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है हमने क्या किया ये फोर्टी थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक ये गया पार्टनर्स कैपिटल में फाइव लैक्स आपका ये पार्टनर्स कैपिटल में चला गया बच्चे और ये सिक्सटी थाउजेंड जो हमने एक्सपेंस किया बट हम प्रॉफिट लॉस में उस साल नहीं दिखाएंगे तो इस साल का प्रॉफिट भी सिक्सटी से बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली वो भी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो छह लाख रुपए आपको मिल गए बोलो ना ठीक बोल रहा बोलो ना तो इस तरीके से ये मतलब निकल के आता है मैं एक बार आपको यहां पे ये जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे डालो स्टार मार्क इसको डालो स्टार मार्क है ना और यहां पे लिखो एक नोट नोट कहता है कि इस स्टार मार्क का ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एक और भी ट्रीटमेंट है मतलब जैसे कर लो उसमें कोई दिक्कत नहीं वो क्या है कहता है कि बैलेंस इन जे एल पी रिजर्व में ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफर्ड टू JLP account on अकाउंट ऑन डेट ऑफ मतलब जो date हुआ उस दिन पे आप यह भी काम कर सकते हो सर इसका क्या मतलब हुआ पहले कॉपी कर लो पहले कॉपी कर लो मैं आपको समझा देता हूं मेरे बच्चे आप चाहो ना तो आप ऐसे ना करके एक दूसरा तरीका कर लो वो दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताऊं आपको मिटाना नहीं है मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप क्या करना कि जेएलपी रिजर्व में जो अमाउंट है ना आप जे एल पी रिजर्व यहां लिख लो आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में आपका जो फोर्टी थाउजेंड का अमाउंट है उसको आप जेएल से जाके एडजस्ट कर दो जे एल पी अकाउंट आपका फोर्टी थाउजेंड तो अगर ऐसा मैं करता अगर मैं ऐसा करता तो पता क्या होता फिर ये नाम नहीं यहां पे क्या जाता कि जब मर गया ना तो तीस सेप्टेम्बर को टू जे अकाउंट फोर्टी जितना भी इसमें बैलेंस होगा इससे क्या जी इसमें बोल दिया टू तो अकाउंट तो अकाउंटी में क्या हो जाएगा जे एल अकाउंट कितना अकाउंटी तो इससे क्या हुआ मेरे बच्चे आप देखो जरा पे अब हमारे पास क्या निकल के आया कि अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास ये 40 एंड 40 आपस में कैंसिल हो गया इसमें टोटल बैलेंस कितना होना चाहिए छ लाख रुपए तो 60 यहां पे है उस केस में फिर यहाँ पे फाइव लैख फोर्टी थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूट हम करते पार्टनर कैपिटल में मतलब या तो फोर्टी यहां डिस्ट्रीब्यूट कर लो और फाइव लैक्स यहां डिस्ट्रीब्यूट कर लो या फिर इस अकाउंट को इस अकाउंट से लाके कैंसिल कर दो जी या पर उसमें नील हो गया तो सिक्सटी दिख रहा है यहाँ पे टोटल छह लाख होना चाहिए फाइव फोर्टी हम क्या करेंगे पार्टनर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपकी मर्जी है फाइव यहां करो फोर्टी वहां करो या यहीं पर फाइव करो दोनों में से कुछ भी करो विल गेट द फुल मार्क्स और डिफरेंट त्रि ट्रीटमेंट है डिफरेंट तरीके का तो इससे कोई दिक्कत नहीं है कोई भी काम करेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर तो ये आपका जेएलपी रिजर्व का ट्रीटमेंट था मेरे बच्चे अब मैं पता है क्या करूंगा अभी मेरे बुक में नहीं है बट मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन करा दू आपको क्योंकि अब क्लास खत्म होने वाली है और एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे एग्जाम में पूरी बात नहीं करेगा <coughs> देखो क्या बोलेगा लिखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर एग्जाम फॉर एग्जाम लिखेंगे फटाफट यहाँ पे एक्स वाई जेड पार्टनर से शॉर्ट में लिख रहा हूं इनका रेशियो थ्री इंस टू टू इज टू वन का कहता है यहां पे वाई डाइट वाई डाइट फुल स्टॉप यहां लिखो ऑन दैट डेट ऑन दैट डेट सरेंडर वैल्यू सरेंडर वैल्यू

जनरल एंट्रीज एंट्रीज एज्यूमिंग एज्यूमिंग केस वन केस वन जे एल पी इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस आप उसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं नंबर टू केस टू जे एल पी इज ट्रीटेड ट्रीटेड एज एन एसेट आप उसको एसेट ट्रीट कर रहे हैं एंड केस नंबर थ्री जे एल पी इज ट्रीटेड ट्रीटेड एज एन एसेट एसेट एंड एंड रिजर्व अकाउंट इज में रिजर्व अकाउंट इज मेंटेड अब ये क्वेश्चन आपका बन गया अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो मेरे बच्चे हर एक साल का सरेंडर वैल्यू क्या प्रीमियम पे हो रहा है कुछ नहीं बता रहा है तो अंडरस्टूड है कि ये आपको सिर्फ डेथ के टाइम की एंट्री की बात कर रहा है और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे हम वही एंट्री करेंगे तो आप कहो तो मैं आपको सिर्फ जनरल एंट्री दिखाता हूं आओ ना पहले केस नंबर वन के अंदर में फटाफट अब दिमाग काम करेगा केस नंबर वन मुझे बताओ अगर जे को आप एक्सपेंस के रूप में ट्रीट कर रहे थे तो क्या जेल कुछ पहले से दिख रहा था क्या नहीं सर वो तब होता जब एसेट्स को रूप में दिखता है तो मेरे बच्चे आप क्या करेंगे जी? जब मर गया ना तो पूरे सिक्स ,00 रूप हम लोग यहां पे लेकर आएंगे पहली एंट्री नंबर ए अकाउंट डेबिटेड पूरा लाख ,00 और ये किसको मिल जाएगा पार्टनर्स को यानी कि टू एक्स टू वाई एंड टू जेड किस रेशो में थ्री इशू टू इशू लैक्स रूपीज टू लैक्स रुपीज देखो बातें कितनी सिंपल आपके लिए हो जाएंगी एंड वन लैख रुपीज अगली एंट्री में हम क्या करेंगे जी जे एल पी टू एक सौ के बाद अब हम इंश्योरेंस इन, कंपनी से क्लेम मांगेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट आपका डेबिटेड टू जे एल पी अकाउंट और ये अमाउंट कितना मेरे बच्चे सिक्स लैक्स रुपये छः लाख रुपये अगर क्वेश्चन क्लेम रिसीव करने की बात करता ऐसे बोल नहीं रहा है तो यही दो एंट्री काफ़ी है बट अगर कहता तो हम क्या करते हैं अगली एंट्री में अगर कहता तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे थर्ड वाली एंट्री के बैंक टू तो इंश्योरेंस कंपनी ये थर्ड एंट्री तभी करना है जब क्लेम आपको मिल गया बट कोई नहीं हम समझा रहे तो सारी बातें केस वन हो गया अगर यही क्वेश्चन केस टू के अंदर में आपका आ जाए केस नंबर टू के अंदर में यानी कि जेएलपी को हम एसेट्स के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों जब जेल पी के रूप में ट्रीट हो रहा है तो कन्फर्म्ड है कि डेथ के पहले वो आपका 120 पे दिख रहा होगा कहता ऑन दैट जब ये मरा था तो उसकी सरेंडर वैल्यू 120 की थी तो 120 अगर सरेंडर वैल्यू था तो 120 पे जेल आपका बैलेंस शीट में दिख रहा था मेरे बच्चे बोलो ना तो सिखाया अभी मैंने कि अगर एसेट्स के रूप में ट्रीट कर रहे हो तो जेएलपी सिलेंडर वैल्यू पे दिखता है तो अगर 120 पे दिख रहा है तो 120 ऑलरेडी पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है क्योंकि जितना आप एसेट्स के रूप में दिखा रहे हो एक्सपेंसेज पिछले सालों में उतना कम दिखाया होगा प्रॉफिट बढ़ गया होगा और बढ़ा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो 120 ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूटेड है आज हम क्या करेंगे जेएलपी अकाउंट और कितने से बढ़ा देंगे जी 480 से और ये 480 हम क्या करेंगे एक्स वाई एंड जेड में आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली रेशियो है 480 तो आपका कितना हो जाएगा 160 160 और यहां पर वन सिक्सटी का अमाउंट खत्म दूसरी एंट्री बी जो नंबर ए हो गया बी एंट्री आपका सेम होगा यहां पे सेम और सी एंट्री भी क्या होगा आपका सेम होगा कोई डाउट हाँ अगर अगर मेरे बच्चे यहां पे प्रीमियम के बारे में बताता कि प्रीमियम जो इस साल पे किया गया वो फोर्टी थाउजेंड अगर बताता था, तो हम क्या करते फिर इसमें फोर्टी और कम कर देते जैसे हमने क्वेश्चन में किया था क्यों फोर्टी को बाद में हम प्रोफिट लॉस में दिखाएंगे यहीं से कर लो आप लेकिन प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला तो फिर और एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो प्रीमियम के बारे में बोलेगा भी नहीं। बस आपको इसी का ट्रीटमेंट करना है अगर वो केस नंबर थ्री हो जाता है यानी कि जेएल को एंड रिजर्व अकाउंट को मेंटेन तो मेरे बच्चे जितने पे आपका जेएलपी दिख रहा होगा उतने पे आपका जे रिजर्व भी दिख रहा होगा अभी मैंने प्रूफ किया था उतने पे दिख रहा होगा तो पहले क्या करो जे रिजर्व जे रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जे अकाउंट है ना ये कितने से जी जितना वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी आपस में इसको कैंसिल कर दो वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी जब ये कैंसिल हो गया तो अब जेएलपी कुछ रहा ही नहीं जो वन ट्वेंटी बैलेंस शीट में था वो खत्म हो गया तो अगली एंट्री जो आपकी होगी अगली एंट्री यहां पे वो क्या जी पूरे जे अकाउंट पूरे हम करेंगे कितने से आपका सिक्स लैख से प्रीमियम नहीं है बच्चे तो आपका सरेंडर वैल्यू जो था हम दोनों को कैंसिल कर दिए खत्म हो गया तो जेल जेएलपी सिक्स लैक्स एंड टू आपका एक्स वाई जेड कितना टू लैक्स टू लैक्स एंड टू लैक्स फिर यहां पे जो सी यानी कि ये एंट्री आपका सेम होगा और ये एंट्री भी आपका डी के रूप में सेम होगा यहां पर सेम ठीक है ना इसको ऑल्टरनेटिवली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक और तरीका वो भी ले लीजिए है ना क्योंकि सब कुछ नॉलेज एग्जाम में कैसे भी करोगे पूरे मार्क्स ऑल्टरनेटिवली क्या करना है कि जे रिजर्व पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो जे रिजर्व डेबिटेड टू एक्स टू वाई एंड टू तो जेड वन है ना तो 40 40 40 हमने यहां पे क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है अब इसके बाद आपको क्या अब आपको वही चीज हो गया जी जे रिजर्व खत्म हो गया अब देखो जरा जे पहले से कितना है वन ट्वेंटी और कितने से बढ़ा देंगे फोर से तो जे जब जे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब एसेट्स ग्रुप में ट्रीट करो जे डेबिट और कितने से हो जाएगा फोर और आपका टू एक्स टू वाई टू जेड आपका वन सिक्सटी वन सिक्सटी और यहाँ पे 160 सिक्सटी यहाँ भी वही वो अल्टीमेटली क्या पूरे आपको सिक्स लैक्स रुपीज पार्टनर्स कैपिटल में चले गए इसके बाद आपका आगे की एंट्री ये एंट्री यहाँ पे सेम होगा और ये एंट्री आपको यहाँ पे सेम होगा खत्म होगी बात यही ट्रीटमेंट आपके तो मेरे बच्चे जे के रूप में जितनी सारी बातें हो सकती हैं एवरी आई हैव कवर्ड एवरी चाहे वो दो नंबर के क्वेश्चन में आ जाए चार में आ जाए दस में आ जाए या फिर अभी अगली क्लास में जो कि अब अब फुल फ्लेज किसिव क्वेश्चन शुरू होंगे उसके अंदर में जेल के कोई कॉन्सेप्ट किसी तरीके से आ जाए गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप इजिली सॉल्व करेंगे दिखाऊंगा अगली क्लास में आज की क्लास यहीं पर क्योंकि अगली क्लास कंप्रीहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेगा बच्चे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैप्टर में जितना आप पढ़ चुके हो अपना नोट्स पलट के फटाफट एक बार रिवीजन कर लेंगे अगली क्लास में बैठने के चाहे वो गुडविल का ट्रीटमेंट हो चाहिए चाहे कुछ भी आपका जो अपने पढ़ा हुआ है है ना आप सबको बाय बाय टाटा नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में बिलीव कीजिए आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं बहुत मजा आएगा अगर इसको समझने में तनिक भी दिक्कत है ऐसा होना नहीं चाहिए एक बार दोबारा इसको रिवाइंड करके स्टडी कर लो सारी बातें समझ में आ जाएंगी थैंक यू बच्चो थैंक यू थैंक यू जी अदरवाइज डाउट सेशन पर हूँ ना मुझसे बात कर लेना ठीक है